है एवरीवन ऐसा लग ऐसा क्यों लग रहा है कि लाइव हो चुका है है ना वी लाइव आई थिंक दैट गिवर लाइव सो क्या हाल चाल हाँ हाय गुड बाय गुड मॉर्निंग लक्ष्य निधि निधि भी आ गई रेम जिम so uh, सो गाइस oh, so क्या हाल चाल है साची भी सो गाइस बात साहब क्या हाल चाल है भाई बताओ क्या ऐसे किस्मस लुकिंग हीरो लुकिंग हीरो क्या मैं लुकिंग हीरो क्या बोल रहे <laughs> okay. आप लोग आ गए हो सीखने equilibrium? Hmm. So, भाई कैसी रही क्रिसमस बताओ दो एकदम झगड़ा से <laughs> बढ़िया बढ़िया सो so, यार कल तुम लोगों ने कैंडिडेट तो नहीं देखा ना यार मेरा कैंडिडेट नहीं देखना था <laughs> मेरी कैंडिडेट में मेरी बहुत बेजती थी और लोगों को बोलना भी मत देखने के लिए हाँ भैया सर का कैंडिडेट आया हुआ था और एच सर का भी सो so, उनके कैंडिडेट देख सकते हो यस अभिषेक गुड मॉर्निंग अरे यार जो काम तुम्हें मना किया जाएगा वो काम करना जरूरी है है ना सही मैं जानता हूं जिस काम के लिए मना किया जाएगा वो काम तो तुम्हें करना ही करना है चलो क्या ही बोल <laughs> so, अच्छा, सही है ना के चेंज कोई इशू नहीं है आ रही है एकदम अमिताभ बच्चन जैसी <laughs> नहीं अमिताभ बच्चन जैसी तो अबे सर की है ना मालिक नहीं सो सो एविथिंग इज़ ओके सो ऐसा करते हैं सेवन टू एट मिनट्स में फ़टाफट फड़, जो बेसिक्स थे वो रिवाइज करते हैं और मुझे आज बताना है प्रैक्टिस प्रोटोकॉल्स मतलब कि प्रैक्टिस करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है लास्ट क्लास में मैंने हालांकि शुरू कर दी थी वो बातें बताई भी थी कुछ अच्छी बातें इंपॉर्टेंट बातें बट बाते। पहले मैं स्टार्टिंग का जो बेसिक है एकदम एल ओ एल बेसिक जो है वो भी इंक्लूड करके सारी बातें बता दे रहा हूँ ठीक है सो चलते हैं फटाफट स्टार्ट करते हैं देखते हैं क्या क्या बातें हमने करनी चाहिए थी ये पेन उठा लिया जाए ओके सो तो इक्लिब्रियम क्या है मैंने बताया था कि देखो यार अपोजिंग फोर्सेज इन्फ्लुएंस करती हैं ठीक है ये सबको पता है कि अपोजिंग फोर्सेज इन्फ्लुएंस करती हैं तो इक्लिब्रियम आता है फिजिकल और केमिकल इक्विब्रियम में हम केमिकल इक्विब्रियम पर फोकस करने वाले मैंने बताया था कि देखो यार केमिकल इक्विब्रियम पर जब डिस्कशन करोगे ना तो ऐसे डिस्कशन करना है सारी बातें डिस्कस की थी रिवर्सिबल ए करके भी आप समझ सकते हो बट क्या है क्या आई यू का लेक्चर है जब लेक्चर मैं स्पेशली एलेवन्थ क्लास के लिए लगाऊंगा तो वो सारी ना और भी ज़्यादा वैसी बातें जिनकी जिनको जिनकी की जरूरत अलेवन्थ क्लास वालों की होती है सब सारी बातें बताऊंगा अभी क्लास जो है वो आई यू की है और टाइम की कमी है सो ज़्यादा फोकस करेंगे कैसे अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ये ये हमारा पर्पस है आई वाले सेक्शन का ठीक है सो so, मैंने फोकस कराया था कि देखो आपको थोड़ा समझदार बच्चों के जैसे अगर समझना है समझदार बच्चों के जैसे समझना है उसका मतलब ये है कि थोड़ा अच्छे लेवल पे जब हम समझते हैं इक्लोब्रियम को तो पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में समझते हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों अपना पोटेंशियल एनर्जी कम करना चाहते हैं दोनों ही अपना पोटेंशियल एनर्जी कम करेंगे और एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पर के दोनों की पोटेंशियल एनर्जी सेम हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी को हम गिब्स एनर्जी से दिखाते हैं सो पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगी जिस पॉइंट पर फिर उसके आगे जैसे पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी तो गिब्स एनर्जी में चेंज जीरो हो गया और वो सिचुएशन इक्विलिब्रियम कहलाएगी बट इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर दैट मींस के रिएक्शन बंद नहीं होता है रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में चलता है और कई बार ऐसा भी करते हैं कि आर एफ इज इक्वल टू आरबी को आइडेंटिटी बना देते हैं इक्विलिब्रियम की बट मैंने कहा था कि ठीक है आप आर एफ इज टू आर एफ आरबी बिल्कुल बनाओ लोग जनरली लोग स्टार्ट करते हैं इक्विलिब्रियम को वहीं से आर एफ इसक्वल टू आर बी होगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बट मैंने कहा कि इसे थोड़ा चेंज करो पहले इक्विलिब्रियम का मीनिंग आना चाहिए डेल्टा जी इक्वल टू जीरो उसके बाद आर एफ इसक्वल टू आर बी फिर मैंने ये दिखाया था कि आर एफ इसक्वल टू आर बी करके किस तरह से इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट निकाला जाता है ठीक है और देख लेना आप अभी जब क्लास खत्म हो रही होगी तो आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिलेगी ये तो बहुत ज़्यादा डिटेल है यहाँ जो ये ये यहाँ पर आप जो स्लाइड्स में देख रहे हो इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी तो आप तो धन्य हो जाओगे यहां पर कोई भी स्टूडेंट जिसने के कभी इक्लेबरियम नहीं पढ़ा हुआ वो सारी स्लाइड्स को देख करके इनफैक्ट के मैंने स्लाइड्स रखी है क्लास इलेवंथ वाली कि कोई भी स्टूडेंट जीरो से भी स्टार्ट करेगा तो उसे समझ में आ जाए सारी चीजें हालांकि जब मैं अभी लेक्चर्स दे रहा हूँ तो वो स्लाइड्स के एक एक पेज की बातें मैं बता नहीं पाऊंगा है ना क्योंकि यार बहुत ऐसी सी बातें जिनकी की जरूरत भी नहीं होती सो so, मैं ध्यान में रख करके चल रहा हूँ कि भाई आई क्यू लेवल मेंटेन करना है तो ठीक है ऐसा नहीं है मैं ज़ीरो से स्टार्ट तो कर रहा हूँ बट ऐसा नहीं करूँगा कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों को टच करूंगा हाँ बेसिक्स अच्छा करने वाले प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए अच्छी बात है ट्रिक्स वगैरह ये मिस नहीं करूँगा मैं ठीक है उसके हिसाब से मैंने टाइम इतना रखा हुआ है और वैसे भी आई यू वाले सेक्शन में अच्छा ये एक अच्छी चीज़ थी चलो ये दिखाते हैं ये आपको आपसे डिस्कस करते देखना ये इस पॉइंट में डिस्कस कर ही रहा था कि आप डेल्टा जी इसक्वल टू जीरो कहते हो मतलब मैंने कहा कि आदत लगा लो इक्विलिब्रियम अगर है तो पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस जो है वो जीरो होना चाहिए है ना अगर इक्विलिब्रियम आ गया फिर भी इक्विलिब्रियम डायनेमिक होता है नेचर में अब ये आर एफ इसवल टू आरबी वाले पॉइंट को ना यहाँ पर ग्राफ से बहुत ही प्यारे तरीके से दिखाया गया है सो देखना आप ये भी इक्विलिब्रियम की पहचान है है ना अब ग्राफ में देखो क्या दिखाया गया सपोज दैट के रिएक्टेंट्स कम होना शुरू हुए हमने ऐसा केस लिया है कि जहाँ पर रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा है रिएक्शन जो है वो वोल्ट भी चलता है इक्लिब्रियम अचीव करता है रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों चल करकेक्बिरियम अचीव कर सकता है बट ग्राफ अभी प्लॉट किया गया ये एज्यूम करते हुए कि यहाँ पर रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे थे प्रोडक्ट में और फिर इक्विब्रियम आया तो पहले दिखाया गया रिएक्टेंट्स कम हो रहे फिर देखना यहाँ पर प्रोडक्ट्स को इनक्रीज करते हुए दिखाया गया है ठीक है पहले नहीं दिखाया था मैंने यहाँ पर टच किया तो नेक्स्ट ग्राफ आया आपके एक इल्यूजन हुआ गया। अच्छा प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो सच्चाई में हम दिखाना भी यही चाहते हैं फिर मैंने चेंज किया दिखाया और रेट ऑफ बैकवर्ड रहा है इवेंचुअली फिर आर एफ इक्वल टू आरबी आ गया सो आई कैन एक्चुअली ना डिफाइन द रीजन ऑफ इक्विलिब्रियम लाइक ऐसा कर सकता हूँ बोल सकता हूँ कि ये जो रीजन आ रहा है ना आफ्टर दिस पॉइंट यहां पर आर एफ स्क्वल टू क्या है आरबी इस पूरे रीजन में या आप ये कह सकते हो डेल्टा जी स्क्वल टू क्या है जीरो जस्ट क्लोजिंग द डोर बिकॉज की उधर से कुछ आवाजें आ सकती थी ठीक है ये बताना अच्छा रहा था मैं इस तरह से ग्राफ के थ्रू भी आप दिखा सकते हैं इक्लिब्रियम स्टेडी बता रहा है ओके, okay, सो so फिर भी वही बात है जो मैं बोल रहा था फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन कोई नेट रेट ऑफ रिएक्शन नहीं आता हमेशा इक्लिबरियम स्टेट के बारे में आप क्या बोलेंगे कोई नेट रेट ऑफ रिएक्शन नहीं आता ठीक है और इसके बाद मैंने ये भी बताया बताया था कि भाई लॉ ऑफ एक्शन से आप आर एफ को ऐसा लिखते हो और किसी जनरल रिएक्शन के लिए जहां पर यह रिएक्शन हो ठीक है अभी ये शुरू के दस मिनट में बस रिवीजन पर दे रहा हूँ सो दैट कि किसी ने आज पहली बार लेक्चर लगाया तो वो भी थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए लेकिन हो सकता है कि आप आज ज़्यादा टाइम कंफर्टेबल ना रहो क्योंकि मैं जाने वाला हूँ क्वेश्चन पर और एक ढंग के लेवल के क्वेश्चन ज़रूर होने वाले हैं अभी सो so थोड़ी मतलब जो लोग नहीं जानते इक्बरियम को जो नहीं है कभी भी इक्लिब्रियम से कभी भी कल और लास्ट लेक्चर भी नहीं देखा है सो प्रॉब्लम तो आएगी थोड़ी बट आपको लास्ट लेक्चर फिर देखना पड़ जाएगा खैर तो मैंने यहाँ पर बताया था आर एफ टू तो आरबी करोगे और यहाँ से रेशियो निकालोगे के एफ बाई के बी सो केफ बाई के बी रेट कॉन्स्टेंट है फॉरवर्ड रिएक्शन का ये रेट कॉन्स्टेंट है बैकवर्ड रिएक्शन का और आप इसको नॉर्मली ये भी बोल सकते हो कि लॉ ऑफ मास एक्शन में जो कॉन्स्टेंट आता है है ना उसे उसे ही हम रेट कॉन्स्टेंट बोलते हैं हालांकि इसका अपना सिग्निफिकेंस है और इस पे डेडिकेटेड एक पूरा चैप्टर है क्लास ट्वेल्थ में केमिकल काइनेटिक्स बट अभी हमें इक्बर्रियम पढ़ते समय इसकी जरूरत नहीं होती कि इसके डेप्थ में जाए बस इतनी की जरूरत होती है कि ये जो रेशियो है ना वो कहलाता है इक्लिब्रियम कॉन्स्टेंट और मैंने इस इक्लिब्रियम कॉन्सटेंट के बारे में बताया था कि जब आप इक्लिब्रियम कॉन्स्टेंट लिखने जाओगे तो इसमें कंडीशन होते हैं इसके पांच टाइप्स होते हैं याद है आपको याद आया कुछ ऐसा इसके पांच टाइप्स होते हैं अगर किसी ने क्लास लगाई थी तो बताओ पांच टाइप कौन कौन से होते हैं वाट आर द फाइव टाइप्स ऑफ इक्लिब्रियम कॉन्स्टेंट इक्लिब्रियम कॉन्स्टेंट की जगह मैंने बोला था देखो ऐसे तो इंपॉर्टेंट क्वांटिटी रिएक्शन क्वेश्चन रिएक्शन क्वेश्चन और इक्विब्रम कॉन्स्ट में ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिएक्शन क्वेश्चन ये दिमाग में डाल लीजिए आपसे सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि आप रिएक्शन क्वेशन छोड़ करके आप क्या करते हैं इक्लिब्रियम कॉन्स्टेंट पर ज्यादा फोकस करते हैं और फिर कॉन्सेप्चुअल डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं फिर अपना कॉन्सेप्चुअली आप दूर चले जाते हो इक्लिब्रियम में जो सोचने का तरीका होता है वो उसका जेनविन तरीका है कि दिमाग में हर वक्त आपके चलना चाहिए रिएक्शन क्वेश्चन हाँ यस गुड बाय के पी के सी केन के अब यहां पर एक बहुत टेक्निकल सवाल आता है जब पांच इक्लिबीरियम कांस्टेंट, उसमें से कौन कौन सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है तो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करने वाले ये दोनों है केपी के सी ये हमने एक्सपेरिमेंटली पाया हुआ है बट आप जनरली स्टूडेंट्स ये समझ ही नहीं पाते उनको दो तरह के मिसकॉन्सेप्शन होते हैं या तो उन्हें समझ नहीं आता इनके इनके जब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे ना तो उन्हें ये लगता है जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा कि जस्ट पहले के टाइम में 99, 2000, 2001 के टाइम जब टू थाउजेंड एडवांस का एग्जाम होता था तो वहां पर अक्सर एक क्वेश्चन पूछते थे ना केपी का एक्सप्रेशन दिखा करके कि केपी डिपेंड्स ऑन तो मैं दिखाता हूं वो क्वेश्चन कैसे था और बड़ा प्यार से बेवकूफ बनाते थे तो या तो स्टूडेंट के पास ना ये दिमाग में रहता है कि केपी के तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर भी डिपेंड करता प्रेशर पर भी डिपेंड करता या फिर उनके माइंड में ये आ जाता है कि किसी भी तरह के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को उठा लीजिए वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है ये दोनों ही मिसकॉन्सेपन है दोनों ही गलत है देखिए एक्चुअली पांच टाइप्स में से चार टाइप्स जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हैं सॉरी ये चार टाइप्स आपको यहां पर टच करने ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आप केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज केमिकल इक्लिब्रियम इज डेडिकेटेड टू द इक्लुब्रियम ऑफ गैसियस स्पेशस जिनके लिए ये प्रेशर टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मोल मोल फ्रैक्शन और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो यूज करते हैं हम लोग जहां पर गैसियस और सोल्यूशन फेस दोनों आता है मैंने एक और बड़ी जबरदस्त बात बताई थी कि लोग ये नहीं जानते कि अगर रिएक्शन में अगर रिएक्शन में एक से गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग क्या वो बड़ी आसानी से मुझे दिख गया और वो ध्यान चला गया है <laughs> ना? 152 में होगा क्या मुश्किल है थोड़ा स्वाति बट कीप अप द होप कीप अप द होप अब डिपेंड करता है कि बाकी स्टूडेंट्स ने कैसी पढ़ाई की इस कोरोना के टाइम पर सो so, अभी इतनी क्लियर पिक्चर नहीं है वन फिफ्टी टू में बट चलो अभी आप बीच में <laughs> ये सब सवाल पूछ करके ध्यान बढ़ जाएगा मेरा यार प्लीज कंट्रोल करो आप ओके okay, सो so, क्या बता रहा था कि ये दोनों टेम्परेचर डिपेंडेंट है

केमिकल इक्विलिब्रियम में या थार्मोडाइनमिक्स में तो वो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है जहां पर के प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं सो टेम्परेचर एंड प्रेशर बोल दीजिए या वॉल्यूम भी बोल दीजिए ओके okay. इसके बाद क्या मैं अभी क्या डिस्कस कर रहा था कि केपी हर जगह डिफाइंड नहीं है केसी हर जगह डिफाइंड नहीं है और केपीसी हर जगह डिफाइंड नहीं है केपीसी कब आता है जब गैसियस भी होगा और सॉल्यूशन फेज भी होगा मैंने बताया फेज ना दैट वी दे ओनली इंक्लूड वेरिएबल कॉन्सेंट्रेशन वाला फेज इनमें प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड नहीं डाल सकते वो कॉन्स्टेंट कंसेंट्रेशन वाले हैं। तो कॉन्स्टेंट कंसेंट्रेशन जब आएगा तो उस कॉन्स्टेंट कंसेंट्रेशन को ना हम

और जो कॉन्स्टेंट फेज है सॉलिड प्योर सॉलिड वो चला जाएगा इस इक्लिब्रियम कॉन्स्टेंट ये जो ओरिजिनल इक्लिब्रियम कॉन्स्टेंट है उनके साथ आप मिला दो इनको मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ये डिवाइड पे चला जाएगा ठीक है अब बन करके बाहर आएगा के सी नाउ द न्यू इक्ब्रियम कॉन्स्टेंट इज के सी बिकॉज कि के पी के सी इनमें आप प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड इंक्लूड नहीं कर सकते ठीक है ये पॉइंट था सो so, ये बात मैंने बताई थी कि भाई इन अपने लिए शॉर्टकट बनाते हो यूनिटी पुट कर दो प्योर सोल्यूड प्योर लिक्विड हालांकि वो रियल कॉन्सेप्ट नहीं है रियल कॉन्सेप्ट था जो अभी मैंने बताया एंड भाई Kp is especially for इसके exist करने के पी इज स्पेश फॉर गैसियस इसके एग्जिस्ट करने की कंडीशन को मैं रिवाइज करा रहा हूं फॉर केपी टू एग्जिस्ट एटलीस्ट वन स्पेशज मस्ट बी गैसियस एंड नो स्पेशन सोल्यूशन फेज कोई भी सोल्यूशन स्पेश रिएक्शन में नहीं होना चाहिए अगर सोल्यूशन फेज है reaction में, तो या तो के सी लिखाएगा या के पीसी लिखाएगा बट के पी नहीं लिखते कभी भी है ना फॉर एग्जाम्पल मैंने ये रिएक्शन लिखा ए सोल्यूशन इससे बनाया हुआ है बी गैस प्लस सी सोल्यूशन आप बताओ इसके लिए कौन सा कौन सा इक्लिबियम कॉन्सेंट लिखाएगा के पीसी बिकॉज गैसियस फेज और सोल्यूशन दोनों है

और फिर मैंने उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी जो कि हमारे प्रैक्टिस प्रोटोकॉल का पार्ट है बिना उसके तो आप प्रैक्टिस करने मत जाओ प्रैक्टिस प्रोटोकॉल में दो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि टाइप ऑफ रिएक्शन जरूर देखो टाइप ऑफ रिएक्शन जरूर देखो है ना मोस्ट ऑफ़ द टाइम यू हैव बिन गिवन वन इज टू टू टाइप ऑफ रिएक्शन सो टाइप ऑफ रिएक्शन नहीं देखना ना ये कॉमन सी बात है स्टूडेंट्स कुछ चीज़ें तो बिल्कुल नहीं दे, देखते हैं इक्विलिब्रियम में बुक्स में वैसे तरीका नहीं बताता मुझे समझ नहीं आता आज तक क्यों नहीं बताया बताना चाहिए था है ना हालांकि ये टाइप वाला तरीका मैंने खुद बना करके निकाला है वसानी के, के लिए सो so, मुझे पसंद है मैं देखता हूँ कि जब ये तरीका मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स को तो वो कोई भी बड़ी आसानी से ना सीखने लगता है इक्लेबरियम सो so, इक्लेबरियम और थर्मोडाइनमिक्स से ऐसा सेक्शन है केमिकल आइनिक और थर्मो या ऐसे सेक्शन है क्लास इलेवेंथ के किसी को पसंद नहीं आते बट है बहुत ट्रिकी बहुत थियोरिटिकल है ध्यान से सुना जाए तो बहुत ही बहुत ही बहुत ही आसानी से आप कर सकते थोड़ा मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है बट इतना कैलकुलेशन नहीं होता जितना कि लोगों ने हाइप बनाया हुआ ऐसा नहीं होता है बहुत ट्रिकी भी में कैलकुलेशन करना होता है सो टाइप ऑफ रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है और मैंने बताया था वन टू टू टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉमन वन टू टू टाइप मीन्स के इस तरह के जैसे कि वन आप रेशियो ले लीजिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का सो so, जैसे पीसीएल से पीसीएल थ्री प्लस सी है सो वन मोल एंड टू मोल्स ऑफ वन मोल ऑफ रिएक्टन एंड टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट सो ये वन इस टू टू टाइप ऑफ रिएक्शन है सो so, अगर वन इज टू टू टाइप ऑफ रिएक्शन आपको दिया है दिया है। तो ये किस -किस टाइप का हो सकता है जैसे डिसोसिएशन था एन टू फोर का जैसा टू एन ओ टू है ना ये भी इनमें इन में कुछ बात कॉमन होती है सारी बात कॉमन नहीं होती है बट कुछ बातें कॉमन होती है, उनका ध्यान रखिए एक तो अमोनिया का डिसोसिएशन वाला भी है टू एन टू एन एच थ्री इससे एन टू प्लस थ्री एच टू ये ये भी में 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 अच्छा क्यों के में एक बात कॉमन है क्या इनके जो टोटल मोल्स आते हैं ना वो ए इंटू वन प्लस अल्फा है ये बात मैंने बताई थी ये हमेशा होगा और अगर पीसीएल का डिसोसिएशन आपको दे दिया तो वो आ जाएगा ए पीसीएल फाइव का डिसोसिएशन वन इंस टू टू मैं रिवाइज करा रहा हूं जो नए लोग आए हैं अभी मैंने आज का टॉपिक अभी स्टार्ट नहीं किया पांच मिनट और लगेंगे सो so, ए से बी प्लस सी ये डिसोसिएशन इस टाइप का होता है तो कोई जरूरी नहीं कि का ही डिसोसिएशन था मैंने एक दूसरा क्वेश्चन भी दिया था सी टू एच सिक्स से सी टू एच फोर प्लस एच टू सो अगर के पी इसका लिखना है तो मैंने बताया था कि पता है क्या अगर PCl5 टाइप का डिसोसिएशन होगा वन टू टू टाइप का होगा टोटल मोल उसका हमेशा बार बार टोटल मोल इसी तरह से आएगा इनिशियल मोल अगर a है तो a इंटू वन प्लस अल्फा है ना ऐसा आएगा और Kp हर बार इसी तरह से लिखाएगा मैंने यह भी बताया था कि केपी को अल्फा के टर्म्स में ही लिखना प्रिफर किया जाता है क्यों क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म्स में अगर आप लिखोगे तो इनिशियल मोल के पंगे नहीं पड़ते इनिशियल मोल और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ये दो बहुत ही सरदर चीजें अगर आप इनको कैरी ऑन करते हो आप फंस जाओगे केमिकल इक्विलिब्रियम में बहुत बुरा फंसोगे अगर आप इनिशियल मोल और कॉन्सेंट्रेशन के साथ चल रहे हो

कोई भी रिएक्शन दिया जाए ये सब बहुत कॉमन है एक्चुअली सबसे ज्यादा रिएक्शन सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है इन्हीं से दिखते हैं जो पी सी एल फाइव टाइप का डिसोसिएशन है या जो एन टू फोर टाइप का डिसोसिएशन ये ज्यादा दिखते हैं डजन मीन कि यही दिखते हैं और भी रिएक्शन दिखते हैं बट ये कॉमन है तो आपका कॉन्फिडेंस एक बढ़ जाता है अगर आपको ना पता होता है कि मैं फास्ट काम कर सकता हूँ एक्यूरेट काम कर सकता हूँ तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है तो इसके लिए मैंने ये पॉइंट्स बनाए हुए हैं सो so, इसके लिए क्या केपी बताया था मैंने कुछ नहीं जैसा पीसीएल फाइव वाला था वैसा ही लिखो वैसा ही लिखो ये पी जो है वो टोटल प्रेशर इस टू का इफेक्ट आ जाता है यहां फोर आ जाता है डन ये पहले ही से माइंड में रख लो आप ये नहीं कि मैं बार बार इक्लिब्रियम का लिखूंगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लिखूंगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन लिखूंगा फिर इक्लिब्रियम का लिखूंगा और फिर कैलकुलेट करूंगा तब तो आप फिर तो बर्बाद हो जाओगे अगर आपको सॉल्विंग करनी होगी तो ठीक है आपकी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों इंपॉर्टेंट है ना तो दोनों ही चाहिए आपको ठीक है अब आई थिंक दैट के हा ब्लैंक स्लाइड एक है मेरे पास सो so, मैं क्या करता हूं यहां पर ये रिवीजन परपस के लिए क्वेश्चन डालो पॉइंट को ही समझाने के लिए कि देखो आपको टाइप ऑफ रिएक्शन आता है तो आप सॉल्विंग कर सकते हो काफी हद तक काफी वैसे क्वेश्चंस की सॉल्विंग कर सकते हो जो कि आपको लगता है कि टाइम ले सकते हो वो तेजी से हो सकते हो जाते हैं अब मैंने लिखा जैसे फॉर टू डिसोसिएशन टू डिसोसिएशन और ये डिसोसिएशन दिए हुए पीसीएल फाइव का इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी वन एंड एन टू ओ फोर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी टू है ना फाइंड रेशियो ऑफ केपी वन बाई केपी टू इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इस फाउंड टू बी सेम एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर यह बोला गया ऑप्शन में दे रहा हूं आपको वन फोर इज टू वन वन इज टू फोर नन ऑफ दिस ठीक है अब जैसे क्वेश्चन है सो सारे लोग क्या करेंगे अब तो केपी वन का एक्सप्रेशन लिखेंगे केपी टू का एक्सप्रेशन लिखेंगे आगे काम करेंगे बट आपको ऑलरेडी आइडिया हो चुका है कि यार इतना क्यों ही करना हमें तो पता चल चुका है हम जान रहे हैं ऑलरेडी है, हमने एक शॉर्टकट बना लिया सो so, केपी जब लिखाएगा तो वो लिखाएगा अल्फा बाई वन बाई वन अल्फा स्क्वायर स्क्वायर डिग्री डिग्री ऑफ ऑफ डिसोसिएशन डिसोसिएशन सेम 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 है है सेम है तो है ठीक और प्रेशर तो फर्स्ट रिएक्शन के लिए भी और सेकंड रिएक्शन के लिए भी सो मैंने सेकेंड रिएक्शन का केपी टू लिखा वो आएगा अल्फा स्क्वायर बाई वन माइनस अल्फाइन स्क्वायर मल्टीप्लाइड भी बाई टोटल प्रेशर बट स्टार्टिंग में क्या लिखा जाएगा फोर अब मैं रेशियो ले लूंगा केपी वन और केपी टू का तो जब के पीन और कंप्यूटर का रेशियो लूंगा तो ये आंसर आ जाएगा है ना सो so, काफी फास्ट बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं और ऑब्वियसली यहां से फिर आप आइडिया लेकर के दूसरे क्वेश्चन पर अप्लाई कर सकते हैं है ना सो चैट बॉक्स पढ़ा जाए क्या दो मिनट के लिए सी ओके okay, मोक्षित हाँ फास्ट बनेगा मोक्षित है ना बोल सकते हो सक्षम कैसे हो यस फाइन काशीनाथन हैलो वह स्मार्ट बोर्ड पर आपका घर पे लगवाए हैं क्या कुमार अभिषेक सर जैसा अरे <laughs> यहाँ पर घर ही है मेरा तो स्टूडियो ही घर है मैं यहीं रहता हूँ नहाता धोता हूँ एन <laughs> एस सी जे एस और आई एन कितने लेवल तक पढ़ना किया जी ओ और आयुसो म्यजम भी पढ़ना है या ओनली टिल क्लास टेंथ कुछ नहीं मोक्षित बस लेक्चर में जो जी ओ में बताऊँगा बस उतना ही करना थोड़ा टच करेंगे थोड़ा आईसो मिरोजम टच करना आई एन के लिए तो जब मैं लिखूंगा ना स्पेशल आई एन एपिसोड भाई वो मिस मत करना अच्छा आपने पहले भी क्वेश्चन पूछा था मैं देख नहीं पाया ओके okay, कोई नहीं ठीक है सो so, ये ओके okay है ना देखा सिर्फ और सिर्फ आपको जो रेशियो का जो आइडिया जो केपी वन और के पी टू का आइडिया था उससे ये क्वेश्चन बन गया अब मैं अगर फिर से उसी टॉपिक पर फिर से क्या करता आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो सकता है कि मैं क्या कर देता अलग करके देता ओहो भाई हटना चेंज करने दे स्लाइड भाई ब्लैंक स्लाइड आने दे आ जाए भाई हाँ तो इस पर और भी रिपीट कर सकते हैं उसी तरह से मैंने और क्या बात बताई थी क्या बोला था इंपॉर्टेंट बातें बताकर अब रिवीजन खत्म करके मैं आगे बढूंगा आज प्रैक्टिस प्रोटोकॉल को क्योंकि ये जो पॉइंट सब मैं बोल रहा हूँ वो लास्ट टाइम जो बताया था वो सब प्रैक्टिस प्रोटोकॉल्स में आ जाएंगे है ना और देखिएगा जब क्लास खत्म होगी तो पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा इनकेस जैसे मुझे दूसरे आई ओ क्यू वाले सेक्शन में बताया था लोगों ने कि पीडीएफ नहीं मिली है तो मैंने आज स्पेशली अरेंज करवाया है पी बोला है कि बिल्कुल जाना चाहिए चेक करवाया है सो आप भी अगर पी फाइल्स ना मिले असाइनमेंट साथ में ना मिले तो जरूर बताइएगा अगर लिंक्स में ना मिल रहे हो तो बताइएगा जरूर ठीक है और क्लास एंड होने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा और देखिए नोट्स जो आपको मिलेंगे वो नोट्स और भी ज़्यादा इलेबरेटेड हैं मैं तो आई यू के अकॉर्डिंगली कोशिश कर रहा हूँ कि सारी अच्छी बातें बताकर चलूँ बट उसके लिए क्या है कि अगर आपको हल्का सा आइडिया है इक्लुब्रियम का तो बात बनेगी अगर बिल्कुल भी आइडिया नहीं है हालांकि लास्ट लेक्चर मैंने बिल्कुल डेडिकेट किया था नूब्स के लिए जो नहीं जानते उनके लिए डेडिकेट किया था उसको ज़रूर देखिएगा और नोट्स में तो और भी ज़्यादा बिल्कुल हर छोटे से छोटे पॉइंट को टच किया गया है है ना है हेलो भाई क्या हाल चाल है नोट्स मिल जाएंगे आपको आप देखोगे वीडियो के लिंक्स में मिल जाएंगे ठीक है क्लास जब खत्म होगी तो श्योर तब तक आ जाएगा बिल्कुल श्योर आ जाएगा ठीक है मैंने मॉर्निंग में इंस्ट्रक्शन दिए थे कि ये मिल जाना चाहिए सो so भाई प्रैक्टिस प्रोटोकॉल में क्या क्या बातें हैं लास्ट क्लास में मैंने कुछ बात बोली थी उनको भी फिर से रिवाइज करते हुए मैं इस पर चलू वो बताऊं कि क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है, होती हैं आपके लिए सो so पहली एक बात मैंने बताई थी अगर कोई डिसोसिएशन रिएक्शन है और ये पता है क्या ये पॉइंट बिल्कुल नहीं पता होता है और इसकी वजह से बहुत गलतियां करते हैं इस चैप्टर को अननेसेसरी टफ बना देते हैं सो डिसोसिएशन रिएक्शन के लिए एक काम नहीं करना देखिएगा दोस्तों क्या काम नहीं करना है सपोज दैट ये रिएक्शन इस तरह के रिएक्शन जहां पर रिएक्टेंट के आगे कोई कोएफिशिएंट होता है इसमें बहुत गलतियां करते हैं लोग लिखने में ही गलतियां करते हैं और आज का नहीं ये 11 मतलब 11 साल की जगह बेटर होगा बोलो 110 साल <laughs> वो 11 साल तो अब तो 110 साल के जैसे लगते हैं कोरोना जाने के बाद कि मैं पता नहीं कितनी सदियों से पढ़ा रहा हूं सो so, इतने सदियों से जो मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या देख रहा हूं स्टूडेंट्स को ना कि ये सब गलतियां बहुत ज्यादा करते हैं जो भी बता रहा हूं मैं ये गलतियां ना बहुत कॉमन सी गलतियाँ हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं क्या गलतियां करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम पे एक्सप्रेशन लिखने में ही एक्सप्रेशन बनाने में ही बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं एक्सप्रेशन बनाने में भी बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं सो क्या गलतियां करते हैं वो मैं बड़े आराम से बता रहा हूं उसके बाद फिर मैं आराम से रहूंगा नहीं उसके बाद मैं सौ पे चला जाऊंगा सो प्रैक्टिस प्रोटोकॉल क्या क्या है अगर डिसोसिएशन रिएक्शन है अगर डिसोसिएशन रिएक्शन है डिसोसिएशन रिएक्शन है और स्पेशली इस टाइप का जो अमोनिया के डिसोसिएशन के टाइप का है अमोनिया के डिसोसिएशन के टाइप का है जहां पर कोई फिशेंट लगा होता है रिएक्टेंट के आगे वहां बहुत गलतियां होती है वहां पर लिखते ही नहीं है ढंग से और मैंने इसके लिए रूल्स ही बना दिए उसको फॉलो कीजिएगा देखिए टी इक्वल टू जीरो, जीरो मीन इनिशियली सो टी इक्वल टू जीरो उसको हम आई लिखेंगे इनिशियल वैल्यूज को हम क्या लिखेंगे आई सो टू एन एस थ्री इनिशियली क्या हो रहा है आपको ना कॉन्सेंट्रेशन ए दिया गया है ओके okay. फिर चेंज इन कंसंट्रेशन दिखाने का टाइम जब आता है सी 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 डिनोट करूंगा मैं चेंज इन कंसंट्रेशन को ये बड़ा फेमस मेथड है आइस मेथड ये आइस मेथड का मतलब होता है इनिशियल वैल्यू लिखिए कंसंट्रेशन की चेंज इन कंसंट्रेशन दिखाइए और फिर जो नया इक्विलिब्रियम आया होगा उस पे अमाउंट्स को दिखाइए सो so, ये आइस पॉइंट्स जो हैं यहां पर कॉन्सेंट्रेशन लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है और यह आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए नहीं तो नहीं बनेंगे क्वेश्चन बहुत गलतियां होंगी है ना और गलतियां होती भी जैसे अब मैं यहां पर सिखा रहा हूं कि इनिशियल मोल्स अगर ए है सो so स्टूडेंट्स अलग अलग काम करते हैं कुछ स्टूडेंट्स ए माइनस एक्स करके लिखते हैं अल्फा उड़ा देते हैं क्या सिखाया मैंने आप केमिकल इक्विलिब्रियम डिस्कस कर रहे हो केपी का डिस्कशन कर रहे हो इसमें एक्स यूज करने से दूर रहिए अल्फा यूज कीजिए तो केपी के, के एक्सप्रेशन में ना ये इनिशियल मोल नहीं फंसेगा इनिशियल मोल और वॉल्यूम नहीं फंसने देना है सो ये तरीका प्रिफर नहीं किया जाएगा है ना मत प्रिफर कीजिए फिर कुछ लोग क्या करते हैं और नहीं मानते एक्स की जगह पे टू को यूज़ करते हुए टू एक्स लिखते हैं तो जब एक्स वाला मेथड नहीं यूज कर रहे तो हम ये क्यों यूज करेंगे बिल्कुल नहीं यूज़ करेंगे फिर देखिए कुछ लोग फिर ऐसे लिखते ए माइनस ए माइनस या और अच्छे से मैं बताऊं ऐसा लिखते हैं देखिए ए इंटू वन माइनस टू अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यूज करना शुरू कर दिया है लेकिन साथ में टू यूज कर लिए हैं इस टू को ये बताते हुए कि देखिए सर ए में से ये टू ए अल्फा टूटा है ना और अगर टू ए अल्फा टूटा सो टू मोल्स ऑफ एन एस थ्री विल गिव यू वन मोल ऑफ एन टू दैट मीन्स के ए अल्फा विल बी प्रोड्यूसड हियर एन टू के पास और इसका ट्रिपल अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाएगा एच टू थ्री ए अल्फा बहुत सही क्या मैथ्स लगाइए लेकिन भाई ने डेफिनेशन ही चेंज कर दिया यहां डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा होता है अब निकालेंगे अगर यहां से जो टूटा हुआ अमाउंट है दिस डिसोसिएटेड अमाउंट विल एक्चुअली गिव यू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू टू अल्फा आप देखिए चेक कीजिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालिए डी ओ डी ये कैसे निकालते हैं टूटा वटा लूटा टूटा वटा लूटा दैट मीन्स डिसोसिएटेड अमाउंट डिवाइडेड बाई इनिशियल अमाउंट राइट सो भाई डिसोसिएटेड अमाउंट क्या है 2 अल्फा 2 अल्फा डिवाइडेड बाय इनिशियल क्या है ए सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 2 अल्फा आ गया मतलब खुद से खुद को ही आपने गलत साबित कर दिया आप कह रहे थे डिग्री अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और खुद ही आपने मैथ्स में क्या लगा दिया यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 2 अल्फा वाह और ये आगे जब चलेंगे ना तो एक्सप्रेशन में ना कहां पर ये क्यूब में चेंज हो जाएगा स्क्वायर में चेंज हो जाएगा तो 2 फोर में बदल सकता है एट में बदल सकता है और आपके पूरे एक्सप्रेशन को तहस नहस कर सकता है सो so भाई ये काम नहीं करना है दैट इज वाई के बिल्कुल नहीं आप कुछ भी मत सोचिए चुपचाप बस ये तरीका फॉलो करना है ए इंटू वन माइनस अल्फा दैट मीन्स के ए में से कितना टूटा ए अल्फा और इस टू का इफेक्ट अब इस साइड आ जाएगा बिल्कुल आराम से आप यहां पर अच्छे से लिखिए देखिए एन टू बनेगा अगर ए अल्फा टू टाइम एंड एच टू विल बी अल्फा बाई टू एवरी फाइन सो इन शॉर्ट आप याद रखिए इस टू का इफेक्ट आप कहा लेते हो प्रोडक्ट साइड लेते हो इस तरह से चलना है गलती लिखने में नहीं होनी चाहिए नहीं तो आप बहुत बुरा फंसोगे ठीक है ये बात थी इसके बाद क्या बात थी <laughs> दूसरी बात मैंने बताया था कि अगर आप अगर आप केमिकल इक्विब्रियम और आयनिक इक्विब्रियम दोनों को अच्छा करना चाहते हो तो आपको ध्यान रखना है इक्विब्रियम कॉन्स्टेंट का बहुत हाई इलेब्रियम कॉन्स्टेंट और बहुत लो इक्विब्रियम कॉन्स्टेंट है ना ये दोनों ही बहुत ही फेवरेट केस होते हैं और सारे सारे अच्छे क्वेश्चन इसी पर बनते हैं सो so, दूसरा पॉइंट ये था और बाकी मैंने ये सब भी बताया था कि के ज्यादा इंपॉर्टेंट है है ना के के एक्सप्रेशन के बारे में बताया था सो so, फिर मैं बता दूं कि हाई वैल्यू वेरी लार्ज वैल्यू वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ इक्लिब्रियम कॉन्स्टेंट वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ इक्लिब्रियम कॉन्स्टेंट इसका मीनिंग देखिए इसको मैंने क्या किया है मैथमेटिकली मैथमेटिकली ऐसा डिजाइन कर दिया है कि आप जब सॉल्विंग करोगे सो so, आपका कैलकुलेशन बिल्कुल भी लेंदी नहीं होगा और अच्छा जो बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है वो भी सॉल्व करके मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से बहुत ट्रिकी वे में सॉल्व हो जाता है हो जाता है सो so, अगर बहुत लार्ज वैल्यू है वैल्यूबरियम कॉन्स्टेंट की सो so आपको ध्यान रखना है कि एट एट लीस्ट लीस्ट लैंग्वेज देखिएगा बहुत प्यारी लैंग्वेज एट लीस्ट वन रिएक्टेंट टेंस टू जीरो कम से कम एक रिएक्टेंट टेंस टू जीरो होगा देखिए इक्विबरियम पे कोई भी स्पेश जीरो के बराबर नहीं होता है टेंस टू जीरो और जीरो

किसी ने पूछा कैसे पहचानेंगे वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ इक्लिब्रियम कॉन्टेंट देखिए कैसे पहचाना जाता है इक्लिब्रियम कॉन्स्टेंट ऐसे केस में ऐसा दिखाई देगा केपी पी हो के हो ऐसा दिखाई देता है जो इक्लिब्रियम चाहे कोई भी हो केमिकल का हो या आयनिक का हो गैसियस हो या सोल्यूशन हो या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी हो सो हाई वैल्यू ऑफ इक्लिब्रियम कॉन्स्टेंट मतलब की ऐसी वैल्यूज आएगी देखिएगा कोई वैल्यू आपको बड़ी सी पॉजिटिव वैल्यू दिखाएंगे टेन पर फाइव टेन पर नाइन टेन पर ट्वेल्व कुछ बड़ी सी वैल्यू दिखाएंगे देख रहे हैं इनफैक्ट लार्ज वैल्यू ऑफ इग्लिब्रियम कॉन्स्टेंट ना यहां से शुरू हो जाता है टू पावर इसके आगे सारी वैल्यूज वैल्यूज ऑलमोस्ट बहुत ही लार्ज अब मैंने ये बॉर्डर लाइन यहां से शुरू करवाया है बट आपको क्वेश्चन में ना हमेशा इसके आगे से ही मिलेगा कुछ बट मैंने आपको समझाने के लिए बताया देखो यहां से ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाता है आपको क्वेश्चंस में तो बॉर्डर लाइन वैल्यू देंगे ही नहीं साफ साफ दिख आपको दिख जाएगा बात है ये लोग रियलाइज ही नहीं करते कि अगर केमिकल इक्विलिब्रियम बना रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन छुपी रहती है उसी बंदे का केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम अच्छा होता है जिसने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के मीनिंग को समझ लिया वहां जो क्लू छुपा हुआ है उसे समझ लिया और ये बहुत बड़े क्लूज होते हैं सो टेंथ पावर जीरो 10 0. और देखेंगे लोग सीधा इग्नोर करते हैं लोगों को तो लगता है कि पता नहीं हमें कुछ और सोचना और कुछ नहीं आपको होंगी तब, तब क्या होगा जस्ट उल्टा जैसे बहुत ही लार्ज वैल्यू होती है तो एक रिएक्टेंट टेंस टू जीरो होता है स्मॉल वैल्यू होगी तो एटलीस्ट एक प्रोडक्ट टेंस टू जीरो होगा है ना इनकेस इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट वेरी स्मॉल तब क्या होगा एट लीस्ट वन प्रोडक्ट टेंस टू जीरो एक प्रोडक्ट टेंस टू जीरो होगा ये हो नहीं होना है ठीक है और कैसे पहचानते हैं स्मॉल वैल्यूज को तो इस तरह की वैल्यूज आएगी कुछ छोटी वैल्यूज टेन पर माइनस फाइव या उससे छोटी वैल्यूज एकदम बिल्कुल साफ देख करके आपको पता जाएगा ये तो बहुत छोटी वैल्यूज है ये इन सब में कोई वैल्यू आएगी और छोटा करते जाइए कोई वैल्यूज आएंगी श्योर क्वेश्चन सॉल्विंग मतलब ये वैल्यूज दी जाएंगी और आपको बिंदास दिख जाएगा कि अच्छा ये छोटी वैल्यू है है ना वो क्वेश्चन जब सामने रखूंगा तो आपको पता चल जाएगा ठीक है सो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भाई डिसोसिएशन वाला और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के दोनों पॉइंट्स बताए मैंने ध्यान रखेंगे अब एसोसिएशन रिएक्शन अगर दिया जाएगा तब क्या करेंगे और देखिए सारे पॉइंट्स में बता रहा हूं उन्हीं से रिलेट करके क्वेश्चंस मिलेंगे ठीक है देखिए फोर्थ पॉइंट अब क्या होने वाला है फोर्थ पॉइंट है एसोसिएशन रिएक्शन अगर आपके पास आएगा तो सपोज दैट इस तरह का रिएक्शन आ रहा है तो एसोसिएशन रिएक्शन में अल्फा मत यूज कीजिएगा वहां कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है और ये पॉइंट जितने भी आने वाले हैं ना सारे पॉइंट्स प्रैक्टिस प्रोटोकॉल्स में ना वो ध्यान में रखिए बहुत बहुत आराम से क्वेश्चंस बनेंगे घबराइए मत बिल्कुल भी थोड़ा कैलकुलेशन के लिए माइंड अपने आप को माइंड मेकअप कर लीजिए माइंड mind अपना माइंडसेट तैयार कर लीजिए बिल्कुल आराम से बनेगा और इसको ना हेवी मत बनाइए ठीक है जब करना है तो अच्छे से करना है और तरीके मैं बता रहा हूँ और यकीन मानिए कि भाई मुझे भी बहुत ट्रबल आई थी जेई की प्रिपरेशन में एक केमिकल इक्विब्रियम में है ना तो अभी जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मैंने इसको और ईजी बनाने के तरीके ढूंढे और ये तरीके फिर मैंने पाया गया किसी भी इंसान को जीरो से उठा सकता है सो एसोसिएशन रिएक्शन में क्या करेंगे गाइस सपोज दैट आई हैव एन एसोसिएशन रिएक्शन लाइक दिस ये बना रहा है क्या PCl5. ठीक है अब इनिशियल मोल हो सकता है दोनों के सेम दिए गए हो सकता है नहीं दिए गए हो इनिशियल मोल सेम सो ए और बी ए और बी मान लिया मैंने डिफरेंट मोल ठीक है अब कॉन्सेंट्रेशन में कुछ चेंज आया और इसी समय पर इक्लिब्रियम भी आ गया कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आया और मैं इक्लिब्रियम भी इसी को मान रहा हूं तो सी और ई e दोनों क्या हो गया सेम हो गए कीजिए अल्फा क्यों नहीं यूज करेंगे दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ना तो एसोसिएशन है तो मत यूज कीजिए ना बिंदास ऐसे चलिए सारे क्वेश्चन इस तरह से डिजाइन किया जाते हैं ना कि आप फंसेंगे नहीं कहीं पर और ए भी नहीं फंसेगा इन्फो दे दी जाती है ए के बारे में समझ रहे तो एसोसिएशन रिएक्शन बिंदास एक्स यूज किया जाता है कोई टेंशन नहीं होती यूज एक्स कोई टेंशन नहीं होगी इनफो ऐसे दी जाएगी कि आप फंसेंगे नहीं यूज एक्स एकदम बिंदास हाँ, डिसोसिएशन में नहीं करना डिसोसिएशन में इन्फो छुपाई जाती है और जानते हैं कि आप फंसते हो एक्स लेना है अल्फा लेना है ऑलरेडी हमें पता होता है तो हम क्वेश्चन देते हैं हमें पता होता है आप फंसोगे फंसे जाते होके तो फोर पॉइंट्स हो गए अब फिफ्थ पॉइंट पे चला जाए देखिए केपी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर राइट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर केपी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इफ अल्फा दैट मीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड टोटल प्रेशर पी दिस इज टोटल प्रेशर इफ अल्फा एंड पी चेंजेस क्या होगा केपी रिमेन्स सेम केपी सेम रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ता सपोज दैट पीसीएल फाइव के डिसोसिएशन की बात में करू तो पीसीएल फाइव के लिए केपी क्या दिखाया था दोस्तों बताना एक बार अल्फा स्क्वायर बाई वन माइनस अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई टोटल प्रेशर पी ठीक है अब यहां पर के वन कर दीजिए अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड फर्स्ट टोटल प्रेशर ठीक है अब सपोज दैट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चेंज हो गया अल्फा वन से वो अल्फ़ा टू हो गया ठीक है डिवाइडेड बाई वन माइनस अल्फा टू स्क्वायर इन टू पी टू कर दिया मैंने ठीक है सो आप ये मत कर देना ये बोलोगे अब ये अलग एक्सप्रेशन है तो यहां पर के टू हो जाएगा नहीं दोस्त ये के पी वन के टू बराबर है अब चलो मैंने लिखा भी ऐसा ही है कि साफ साफ आपको दिख गया के पी वन बराबर के टू है बिकॉज के को फर्क नहीं पड़ा आपने टेम्परेचर चेंज नहीं किया सो so, अल्फा का वेरिएशन और प्रेशर का वेरिएशन इस तरह से आएगा कि वो आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे और के पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इट इज जस्ट लाइक अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के ये जेड है और यहाँ पर दो टर्म्स है एक्स और वाई अगर एक्स इंक्रीज कर रहा है तो वाई डिक्रीज कर जाएगा सो दैट के एक्स एंड वाई का जो प्रोडक्ट है द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई रिमेन्स कॉन्स्टेंट जेड इज रिमेनिंग कॉन्स्टेंट ऐसा है

कोई नया रिएक्शन दिखा देंगे होगा वैसा ही बनेगा वैसे ही जैसे हमने पढ़ा हुआ है कुछ ऐसा ही होगा नहीं होगा तो कुछ और होगा लेकिन जो बेसिक हमारे जो उन्हीं के पैटर्न पर होगा तो सी टू एच सी एच फोर थोड़ा ज्यादा ही बड़ा हो गया उससे छोटा किया जाए <laughs> वाइट पे <ही> दिखना चाहिए सी टू एच सिक्स गैस इससे क्या हो रहा है सी टू एच फोर बन रहा है और प्लस क्या हो रहा है एच टू बन रहा है ठीक है सो अब यहां पर इसके लेके आ गया कि फॉर द डिसोसिएशन ऑफ इज फाउंड टू बी जान बूझ करके पता है क्या लैंग्वेज बढ़ाए जाते हैं मैं बता रहा था अच्छे एग्जाम्स में एनटीएस स्टेज टू में आई एनजे में जो आईयू क्यूजेस का सेकंड पेपर है या आईयूक्यूसी का सेकेंड पेपर है या जो एडवांस है इन सब में क्या देखने को मिलता है क्या एनालिटिकल पावर आपके चेक करते हैं लैंग्वेज को बड़ा बड़ा करके देखिए मल्टीपल करेक्ट भी पूछा जाता है तो एनालिटिकल स्किल्स आपके चेक की जाती हैं सो so, ये जो लैंग्वेज से घबराए मत कीजिए ये इनके फंडे ये चाहते हैं कि आप पढ़ें और कन्फ्यूज हो आपको पेशेंस रखना है, है ना पेशेंस वाला बंदा बनिए बिना पेशेंस के बातें नहीं अच्छी होगी पेशेंस और पीस ऑफ माइंड दोस्त ये ना इंटर रिलेटेड चीजें दोनों ही आपके पास चाहिए तभी अच्छी रैंक एक्सपेक्ट कीजिए तो चिल तो आप ना अगर खुश रहेंगे ज्यादा चिल आउट करेंगे अपनी टेंशन जो है लोगों से डिस्कस कीजिए घर वालों से डिस्कस कीजिए खुद को खुद का माइंडसेट ऐसा रखिए कि भाई लाइफ में ऊपर नीचे चीज़ें होती रहती हैं आपको टॉपिक नहीं समझ में आ रहा मतलब लाइफ हो गया ऐसा कुछ भी नहीं है चिल आउट करो ढूंढो कैसे उसको सही कर सकते हैं तो पहले ज़रूरत होती है माइंड की कि भाई मुझे आराम से ज़ीरो से सारी चीज़ों को पढ़ना है ठीक है और खुश होकर पढ़ना है मैं कुछ अच्छा सीख रहा हूँ मैं साइंस सीख रहा हूँ और साइंस आपको पता है कि बड़ी ही मज़दार चीज़ है आप तो साइंस फिक्शन मूवीज़ के फ़ैन होते हो और साइंस के नहीं होते हो तो ये अच्छा नहीं लगता है साइंस फिक्शन मूवीज़ के होते हो साइंस के नहीं होते हो है ना <laughs> ऐसा नहीं होना चाहिए अगर आप एवेंजर्स के फ़ैन हैं अगर आप किसी भी साइंस फिक्शन मूवीज़ के फ़ैन हैं और मोस्टली हमारे पास क्या है? अच्छी और एक्शन पैक्ड मूवीज होती है सब साइंस फिक्शन होती है तो यार सब ने सीखा है साइंस से साइंस को इस नजरिए से देखो ना फील करो हाँ ये अलग बात है कि ऐसा नहीं है कि आप इंजीनियरिंग कॉलेज जा करके कोई आयरन मैन का सूट बना लोगे वो एलन मस्क भी अभी तक नहीं बना पाए <laughs> सो टाइम लगता है चीज़ों में बहुत तेजी से नहीं होने वाली बट आपको ऑब्वियसली यार नॉलेज लोगे तो आप कुछ नया ऑब्वियसली बना सकते हो है ना ओके okay. सो so ऐसे फील क्या करो कि हम ना साइंस का कोई बहुत अच्छा पार्ट सीख रहे हैं फिजिक्स में कोई बहुत अच्छा चैप्टर है तो हाँ ऑब्वियसली जीरो से सीखना होगा और यकीन मानो टीचर पे पहले तो यकीन करो और भाई मुझ पर तो यकीन कर सकते हो यार मैं तो दिन रात तुम्हारे लिए हाजिर हूँ मुझ पर यकीन करो मैं जितने पॉइंट्स बता रहा हूँ उनको यूज़ करोगे बहुत ईजिली चैप्टर अच्छा हो जाएगा फर्दर द डिस अब ये सेम चीज़ है जो मेरे बैच से अंडर हंड्रेड रैंक वाले ने पढ़ा है सिंगल डिजिट वाले ने पढ़ा है डबल डिजिट वाले ने पढ़ा है ट्रिपल डिजिट वाले ने पढ़ा है फोर डिजिट्स वाले ने पढ़ा है बिना रैंक बनाने वाले ने भी पढ़ा है सेम चीज़ आप भी पढ़ रहे हो जो टॉपर्स ने पढ़ा हुआ है एक एक बात आप वही पढ़ रहे हो ठीक है तो ये सारी ट्रिक्स उनको बताई हुई है आप भी फॉलो करो वैसा इंसान बनो जो अच्छी चीज़ों की इंपॉर्टेंस रखता है सो so, अच्छी चीज़ें हैं अच्छे लोग ही अच्छी चीज़ों की कीमत समझते हैं समझिए फॉर द डिसोसिएशन ऑफ ये के पी एस फॉर्म टू बी तो बहुत प्यारे से न्या प्यारे तरीके से जेई ने क्या, क्या, क्या एक्सप्रेशन दिखाया अब अभी आपको ऑलरेडी नॉलेज मिल चुकी है कि हाँ ये तो पी सी एल फाइव के टाइप का डिसोसिएशन है सो so यार एक्सप्रेशन तो ऐसा ही बनेगा पी सी एल फाइव के टाइप का डिसोसिएशन का एक्सप्रेशन ऐसे ही आता है बताया वा अब देखिए इसके बाद क्या लिखा क्वेश्चन ने स केपी डिपेंड्स ऑन केपी डिपेंड्स ऑन देखिए अल्फा पहला ऑप्शन दूसरा अल्फा एंड पी तीसरा ऑप्शन अल्फा स्क्वायर एंड पी स्क्वायर बोले मैं चौथा ऑप्शन चले नहीं देता हूं आप पहले इन तीन ऑप्शन में से बताइए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है टेक योर टाइम 15 सेकंड 20 सेकंड उससे ज़्यादा नहीं कौन सा बेटर हेलो सौरव <laughs> हाँ सर सौरभ मैं चैट एक्चुअली फोकसडू मैं कि बातें आपको बताऊँ ज़्यादा से ज़्यादा आईओ क्यू सी है थोड़ा आई क्यू इसमें थोड़ा चिल कर सकते हैं हम आईओ क्यू सी में नहीं चिल करना है सो so, क्या लग रहा है है दम आपने कुछ ट्राई करोगे देखो कैसे है मैं बता देता हूं चलो फोर्थ ऑप्शन दिया नहीं मैंने फोर्थ ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन एक्चुअली अलग अलग बार जब क्वेश्चन आया तो आई ने क्वेश्चन को चेंज कर करके एक बार लैंग्वेज में ये लिखा डज नॉट सिग्निफिकेंटली डिपेंड ऑन अल्फाइन अब देखो कोई भी स्टूडेंट जिसने के बातें नहीं सुनी है शुरू से आखिर तक अब मैंने कितनी बार लास्ट लेक्चर में भी कितनी बार और आज भी जब रिवाइज करा रहा था तो मैंने कितनी बार बोला कि यार देखो केपी के सी वो एक लिब्रियम कॉन्स्टेंट है जो कि सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं है ना? कई बार बोल दिए उसके बाद में ये क्वेश्चन दे रहा हूं अगर अभी भी आपको सोचने में टाइम लगेगा तब तो ऑब्वियसली पंखे से मुझे लटक जाना चाहिए सो so, <laughs> क्या करे <laughs> कोई सोचेगा नहीं अल्फा पे तो डिपेंड कर रहा है मैथमेटिकली तो साफ साफ दिख रहा है यार अल्फा पे डिपेंड कर, कर रहा है है ना ना सॉरी ये ये ना। इसको ये इसको कर दीजिए अल्फा एंड पी अल्फा स्क्वायर एंड पी ठीक है क्योंकि यहां पे पी है ना सो ऐसे था ठीक है सो so कोई भी सोचेगा कि यार एकदम परफेक्ट ये तो थ्री तो परफेक्ट है तो मोस्टली जनता क्या करेगी ये लगा करके आएगी वो तो दिख रहा है वहां पर बट है तो नहीं ऐसा केपी केसी क्या करता है टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं तो सही आंसर तो ये है और इसी को और तरीके से चेंज कर सकते हैं कुछ और लिख सकते हैं नन ऑफ दिस कर सकते हैं है ना सो so, हाँ बिल्कुल नहीं नहीं बी तो नहीं लगाएंगे ना एंड पिन नहीं कर सकते शायद आई थिंक आप समझ गए हो तनिषा जिंदल है हेलो व साहब क्या हालचाल है सो so, आप समझ गए ना जी कि ऐसी गलती नहीं करनी आपको कितनी बार बता दिया गया था कि भी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता फिर देखिए को पता है कि ये बात आप एक्सप्रेशन दिखाएंगे एक्सप्रेशन दिखाया बड़े प्यार से बस खत्म हो गया आप नहीं करना ऐसा ओके सो चलिए शायद कितने पॉइंट्स हो गए थे प्रैक्टिस प्रोटोकॉल के पांच पॉइंट्स बताए आपको ना आई थिंक दैट यस फिफ्थ पॉइंट वॉज देयर क्या फाइव या सिक्स चलो फाइव बताए होंगे जैसा मुझे लग रहा है आगे बढ़ते हैं देखिए मैंने अभी लास्ट पॉइंट बताया कि भाई वो जो पॉइंट्स आप जानते हैं उसमें गलती करवा देते हैं आपसे अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो चलिए इसके बाद क्या बातें हैं और क्या बातों पे आपको फंसाया जा सकता है तो अगला पॉइंट हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है देखिए कैसे फसाया जाएगा pv nrt से हमें पता है कि pv nrt से हमें क्या पता है अगर एक कंटेनर के अंदर देखिएगा एक ही कंटेनर के अंदर ऐसी सिचुएशन है कोई पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट हो सकता है मोस्टली पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ही होता है नहीं भी बताया गया तो वही एज्यूम कर लिया कीजिए तो सपोज दैट कि किसी पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के अंदर ना ये पी सी फाइव का डिसोसिएशन हो रहा है और इक्लिब्रियम भी आ चुका है ठीक है अब इक्लिब्रियम भी आ चुका है सो so गाइस क्या होने वाला है पीवील से हमें पता है कि अगर मैंने टेंपरेचर कॉन्सेंट रखा है आर कांस्टेंट ही है और कंटेनर का वॉल्यूम भी मान लो फिक्स दे दिया गया क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन को कॉन्स्टेंट रख रखा ना तो जरा एक बात देखना प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स के दिख रहा है सो अक्सर इन कंडीशंस में आप देखोगे अगर क्वेश्चन ने आपको टेम्परेचर और वॉल्यूम के बारे में कुछ

अभी है जब क्लोज है तो उसके अंदर एयर भी हो सकती है भाई और वो इक्लिब्रियम भी हो सकता है वैसे फोकस करवाते हैं है, है, इनके, इनके लिए ओवरऑल जो प्रेशर है, जो जो है वो इनके मोल्स के प्रोपोर्शनल है जो भी प्रेशर ये जनरेट कर रहे वो इनके मोल्स के प्रोपोर्शनल होगा वो पीवी कल्टन से पता चल रहा है कीपिंग टेम्परेचर एंड वॉल्यूम कॉन्स्टेंट ठीक है सो so, इसीलिए आप देखोगे के एज वी वर्क फॉर प्रेशर या एज वी वर्क फॉर नंबर ऑफ मोल्स वी कैन ऑल्सो वर्क फॉर प्रेशर बिल्कुल प्रेशर के टर्म्स में वैसे ही बातें कर सकते हैं जैसे मोल्स के टर्म्स में करते हैं अच्छा क्या मीनिंग इसका लीजिए एग्जाम्पल देखिए क्या मीनिंग है इसका बहुत इस पर भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं ये सिक्स पॉइंट पर भी तो प्रैक्टिस प्रोटोकॉल का हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसी से पूरा केमिकल एक्म मजबूत होगा स्ट्रांग होगा और किसी को भी देखिए अगर आप पाए कि कोई आपके सामने बोलता है कि केमिकल एक्बिरियम बड़ा टफ लगता है उन्हें एक बार बोलिएगा ज़रूर कि जा जा करके एक बार लेक्चर देख भाई मैंने अपनी तरफ से डिज़ाइन किया ही है क्योंकि मैं खुद भी बहुत फंसता था तो मैंने इतने सालों में हाँ कितने अमेजिंग से है? नाम है यार <laughs> ये मैं हमेशा से यूज़ करते आई तो इंटरनेट पे पहली बार आया अच्छा कुछ लोगों ने कैंडिडेट को ओपी बताया भाई थैंक यू सो मच आई लव यू सो मच भाई रोहन यादव सर इतना सीरियस अच्छा ये तो पढ़ लिया था मैंने <laughs> सर रोमो का मतलब क्या होता है रोमो का मतलब होता है <laughs> मुझे समझ में आ रहा है तुम रोमो का मतलब कुछ रोमांटिक वगैरह को सोच रहे होगे बट ऐसा नहीं होता है रोहित सर एंड मोहित सर ये मिला करके रोमो प्रैक्टिस प्रोटोकॉल इज फॉर ऑनली वन इज टू टू नहीं 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 अभिषेक प्रैक्टिस प्रोटोकॉल इज फॉर ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन सबके लिए है ना सर दिस फॉर ट्वेल्थ राइट हा बेसिकली अब ऐसे चैप्टर इलेवंथ का है ओके okay? हा सेन वॉचिंग सेवन पे क्यों वॉच कर रहे हैं मैंने तो रिकॉर्डिंग करनी है इसकी तो सिर्फ बट मैं रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं डाल रहा मैं सोच रहा हूं कि लाइव पर आ जाए कोई कुछ सीखना चाहे तो सीख लेगा है ना दिस इज काइंड ऑफ है ना कि ये बताता है कि अभी लोग अवेयर नहीं हैं ओलंपियाड के लिए बट टाइम के साथ हो रहे हैं आप खुद ही देखो चैनल पे लगातार हमारे सब्सक्राइबर इंक्रीज कर रहे हैं तो उससे पता चल रहा है लोग अवेयर हो रहे हैं और ऑब्वियसली वी आर द फर्स्ट कि हम इतना बड़ा लीड रोल ले रहे हैं है ना आप आई यू क्यू सी टाइप करोगे गूगल पे तो मैं ही दिखाई दूंगा मैं खुद भी देख के हमेशा कि गूगल पे आई यू क्यू सी टाइप करते हैं तो वीडियोज़ में मैं ही आता हूँ सिर्फ मतलब ये पता चलता है कि लोग अलग से कोई लेक्चर्स नहीं बनाते आई यू के लिए सो so मैन हमने यहाँ पर खास कर लीड लिया भाई चैनल डेडिकेटेड इसी बात के लिए कि अवेयर हो जाए लोग सो so, हो रहे हैं अवेयर थोड़ा टाइम लगेगा बट अपने को क्या है लोग जब जागे तब उनके लिए सवेरा है हम पहले से जागे वो हमारे लिए पहले से सवेरा हमने अपना काम कर देना है न कैंडिड इज ओपी ओके परत्युष बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग बुक फॉर आई पता है क्या परतुष अगर आप इस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कहेंगे सो ऑर्गेनिक के लिए एम एस चौहान ठीक है बट देखिए अब मैं ट्राई करो मैं ना ऐसा कुछ कर मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि टाइम निकाल करके ना एम एस चौहान जो ऑर्गेनिक वाली उसकी उसके सारे जो फाइव टू टेन बेस्ट क्वेश्चन होंगे हर चैप्टर के ना वो डिस्कस कर दूँ सोच रहा हूँ मैं ऐसा और आप प्रॉब्लम सॉल्विंग पर ही जाएं तो अच्छा है जैसे आप बुक्स पूछ रहे हैं तो मैंने बुक्स के बारे में पहले एक बार बताया हुआ फर्स्ट जब इंट्रोड्यूस किया था आई यू को तो बट अभी भी आप पूछ रहे हैं तो बताया ऑर्गेनिक के लिए बिकॉज के देखिए ऑर्गेनिक का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है अभी जैसे कि मैं केमिकल करा रहा हूँ या आयनिक करा रहा हूँ फिर मैं ऑर्गेनिक पर आऊँगा फिर थर्मो पर आऊँगा और फिर लगातार ही ऑर्गेनिक पर रहूँगा ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं बाकी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं फर्स्ट स्टेज में ना अलग अलग चैप्टर से वो ईजी होते हैं फर्स्ट स्टेज में भी जो फंसाने वाले क्वेश्चन है वो इन्हीं पर रहेंगे केमिकल आयनिक थर्मो इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोऑर्गेनिक डन हो गया थोड़ा थोड़ा इनऑर्गेनिक थोड़ा थोड़ा वो केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन में हो जाता है वो ज़्यादा नहीं पूछते सेकेंड स्टेज केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनिक और ये चैप्टर्स डन इसी में पूरा 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 का पूरा सेक्शन ही पूरा पेपर ही निकाल देते हैं वो ये पॉइंट आयमन यस आई यू क्यू जे सब्जेक्टिव प्रैक्टिस कहाँ से करें मैं कराऊंगा एक तो वो करना है ठीक है बाकी आप किसी भी बुक से कर लो बट अभी तो अपना फ्लो बना है अभी तो इस वीक हमने आई यू क्यू जे एस पे एक्चुअल काम किया है और अभी अगले वीक में और धागड़ करेंगे तो सॉल्विंग वगैरह जो मैं कराता हूँ मैंने तो अभी वो पोर्स निकालने की कोशिश की है जो ज़्यादा वैसे थे जो कि थ्योरिटिकली है ना कोई नहीं आई एम ऑल्सो इन इंग्लिश सो so, भाई आयमन के लिए इंग्लिश हो जाए थोड़ी सो गाइस फॉर सब्जेक्टिव प्रैक्टिस ओपीडन टंडन एनी बुक यू कैन यूज बट मोक्षित द द वे दे सॉल्व द प्रॉब्लम ना मुझे उससे थोड़ी प्रॉब्लम है आई हैव प्रॉब्लम के जो इंडियन बुक्स में जो मेथड ऑफ सॉल्विंग इज काइंड ऑफ ना कि दैट कैन एक्चुअली ना शेप योर थाट्स इन अ डिफरेंट स्टैंडर्ड कैन शेप योर था इन अ डिफरेंट वे यार वो दूसरे तरीके से कर देते हैं मैं थोड़ा डिफरेंट चाहता हूँ ये है डिफरेंट ये डिफरेंस ओके चलो फिर uh, मैं डिस्कस कर रहा था अभी जो पॉइंट उस पर आते हैं वापस फिर से वापस सेट बॉक्स पर आएंगे सो वट आई वॉज डिस्कसिंग यूर की देखो मोल्स के टर्म्स में जैसे बातें करते हैं इन द सेम वे वी कैन ऑल्सो डिस्कस इन टर्म्स ऑफ प्रेशर सो कैसे होगा ये सपोज दैट आई हैव अ रिएक्शन लाइक दिस देखिएगा NH4Cl पता है आपको NH4Cl ब्रेक करके स्पेशीज बनाएगा गैसियस फेज में NH3 गैस एंड HCl गैस अब ये वन इज टू टू टाइप रिएक्शन नहीं है तो वन इज टू टू टाइप रिएक्शन के लिए तो मैंने जो बातें बताई वो ठीक है ध्यान रखिएगा मैं और भी टाइप ऑफ रिएक्शन भी दिखा दूंगा बट मैं क्या कर रहा हूं सबसे ज्यादा यूजफुल सबसे ज्यादा ट्रिकी पॉइंट्स जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूं अब दिस इज सॉलिड सॉलिड देखते के साथ अब आपको समझ में आ चुका है के पी के सी के एक्सप्रेशन में अच्छा मैं बोलूंगा कि इस रिएक्शन के लिए आपके माइंड में कौन सा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहले आना चाहिए आपका आंसर होना चाहिए सर के पी के सी बोला नहीं कि दो चाटे पड़ेंगे अब तक तो आता ठीक हो जानी चाहिए समझ रहे हो ना और दोनों चाटे सीधे एक ही गाल पर मारूंगा अलग अलग गाल पर नहीं पड़ेंगे एक ही गाल पर ताकि चोट ज़्यादा लगे बदमाश कहीं के बता चुका पहले कि भाई गैसेस फेज है के पी के एक्सप्रेशन की बात करो ज्यादा क्वेश्चन भी वही पूछेगा आपको डेटा भी वैसे ही देंगे तो केसी की तरफ भाग बहुत पिटाई पड़ेगी अगर अभी इतने इतने के बाद भी अगर लोग ना केसी, केसी लिखेंगे तो नहीं करना है अब देखिए का एक्सप्रेशन बनाना है लेकिन क्वेश्चन क्वेश्चन देखिएगा, अक्सर क्या करेगा so, मैंने आपको सपोज कि देखो इनिशियली क्या था नहीं पता सपोज दैट व्हाट वाज इनिशियल इनिशियली तो चलो हो सकता है इनिशियली

ए so, माइनस एक्स की जगह पे और ए की जगह पे देखो सपोज दैट ये तो मोल्स में और यह सॉलिड था सॉलिड के लिए हम प्रेशर भी नहीं यूज करने वाले वट फॉर विच काइंडीज गैसेज स्पेश मैंने मोल्स तो इसके लिए दिखा लिए बट आई विल नॉट बी प्रेजेंटिंग एनी काइंड ऑफ प्रेशर फॉर दिस स्पेश बिकॉज की यह सॉलिड है हा इनके लिए कर सकते हैं सो सपोज दैट के एट ये जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन था इसको मैं बता दूं कि सपोज दैट यही इक्लिबरियम का टाइम है ठीक है <coughs> ये इक्लिब्रियम का टाइम था गर्म पानी हो जाए थोड़ा ये प्लास्टिक के बोतल में गर्म पानी दे दिया <laughs> मैंने तो आज तक प्लास्टिक की बोतल में जब भी गर्म पानी लिया तो इसका डिजाइन ही चेंज हो जाता है <laughs> ये तो बचा हुआ है गर्म पानी कुछ भी प्लास्टिक के बोतल में ना पिया जाए तो अच्छा है है ना रेडिकल्स जनरेट होते हैं सीधी केमिस्ट्री है और वो रेडिकल जो वो कैंसर तक जा सकते हैं और मैं एक रिस्की काम कर रहा हूं भाई बट करना मजबूरी अब और कोई गर्म पानी पर, पर है नहीं ओके <laughs> सो okay, so, और इतनी शक्ति भी आई नहीं है कि एनवायरमेंट के वाटर को जो है गर्म कर सके और पी सके सो <laughs> so, अगर इस एक्स मोल के लिए मैंने प्रेशर बताया कि पी है सो so, इसके लिए भी प्रेशर क्या आ जाएगा पी देख रहे हैं। अब दो सवाल आते हैं ये आपको इंफॉर्मेशन दी हुई एटेक्लिब्रियम प्रेशर क्वेश्चन तो हो सकता है आपसे ये बोले पता है कि ये तो मैंने आपको इतना ब्रेक करके दिखाया क्वेश्चन हो सकता है पता है आपको क्या करेगा इतनी सारी बातें नहीं बोलेगा क्वेश्चन बस ये बोलेगा एट एट एटेक्लिब्रियम प्रेशर ऑफ एन एस थ्री इज फाउंड टू बी पी फाइंड पी टोटल सेकेंड

सो so, प्रेशर के टर्म्स में बातें या जो भी इन्फो दी जाती है उसके अकॉर्डिंगली हम काम कर जाएंगे क्वेश्चन हो सकता है कि और बेटर कैसे बनाए सी क्वेश्चन और बेटर बनेगा अगर आपको इंफॉर्मेशन थोड़ी सी ट्विस्ट करके दी जाएगी सी कैसे ट्विस्ट करके दी जाएगी लिखा जाएगा फॉर द रिएक्शन सेम रिएक्शन ले रहा हूं मैं फॉर द रिएक्शन क्या लैंग्वेज देखो और भी अच्छी बना दू मैं पहली बार में आपको समझ में आ जाए इन अ अलोज कंटेनर सी है ना आ गया क्लोज कंटेनर दैट मीन्स के वॉल्यूम इज फिक्स इन अ क्लोज कंटेनर एनएस थ्री वॉज प्रेजेंट विथ

द इक्लिब्रियम प्रेशर ऑफ गैसेस फाइंड द इक्लिब्रियम प्रेशर ऑफ गैसेस इक्लिब्रियम प्रेशर के बारे में पूछा गया है कि इक्लिब्रियम प्रेशर ऑफ गैसेस बताओ इफ केपी इज इक्वल टू 1.5 KP केपी की वैल्यू बता दी गई वन पॉइंट प्रेशर बताना गैसेस का ठीक है तो सेम वही सिचुएशन यू विल राइट लाइक दिस के एन है और NH4CL फोर सी एल सॉलिड एन एच थ्री गैस प्लस एच सी एल गैस ठीक है अब इनिशियल मोमेंट पर चले जाओ आप इनिशियल मोमेंट पर बताया गया कि अगर कोई स्पेसिस नहीं था स्टिल देअर वॉज एन एच थ्री विथ जीरो था इनिशियली इसके कुछ मोल्स होंगे बट वी आर इंटरेस्टेड इन प्रेशर क्योंकि हमने देख लिया कि ऑलरेडी प्रेशर के टर्म्स में हम बातें कर सकते हैं ठीक है अब जब ये डिसोसिएट करेगा तो डिसोसिएट करने पर एनएच फोर सी एल सॉलिड विल ऑल्सो प्रोड्यूस एनएस थ्री एनएस थ्री इज ऑलरेडी देयर बट एन एच फोर सी एल अब क्या करेगा नया एनएस थ्री भी प्रोड्यूस करेगा एक काम कर रहे हैं थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं बिकॉज के ज्यादा साफ दिख रहा है वहां पर स्क्रीन पर सो so, NH4Cl फोर सी एल सॉलिड ये इस तरह से दिख रहा है एन एच थ्री गैस प्लस एच सी एल गैस ठीक है सो इनिशियली क्या होगा मैंने बताया कुछ नहीं था बट

बिल्कुल एक जैसे ट्रीट किया जा सकते हैं इफ इफ वॉल्यूम इज इज कांस्टेंट कांस्टेंट सो प्रेशर विल जस्ट एक्ट एक्टलाइज नंबर ऑफ मोल्स हम वही काम कर रहे हैं लग रहा है बिल्कुल कि मोल्स में काम कर रहे लेकिन बात प्रेशर में हो रही है ठीक है सो प्रेशर पता चल गया ना हमें लिखना आ गया अब केपी का केपी की वैल्यू बताई हुई है सो लास्ट जो एग्जांपल था उसमें क्या दिखा रहा था केपी का एग्जांपल केपी केपी इक्वल टू ऐसा लिखेंगे ना पी एन एच थ्री मल्टीप्लाइड बाई पी टू एस ठीक है और देखो पी एन एस थ्री इज पी प्लस जीरो पॉइंट फाइव एंड पी सॉरी यहां पर क्या एच सी एल है सो पी एच सी एल राइट मल्टीप्लाइड बाई पी और यहां पर देखना वन पॉइंट फाइव करेक्ट सो मैं इसे सॉल्व करके फटाफट पी की वैल्यू निकाल दूंगा आप सॉल्व करो सॉल्व करो फटाफट बताओ मुझे क्या आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बट इसकी सॉल्विंग बड़ी इजी है <laughs> मैंने डेटा ही चूज़ किया इतने आराम से देखो पी की वैल्यू यहाँ से वन आ जाएगी ये सॉल्व हो रहा है किसी से पी की वैल्यू वन है है ना मैंने डेटा बहुत बहुत ही स्मार्टली चूज किया था कि अभी आपको क्वेश्चन से मुझे जो समझाना है वो समझ में आ जाए कैलकुलेशन लेंदी करने की कोई जरूरत नहीं और अक्सर ऐसा ही होता है कि इक्विलिब्रियम के जो कैलकुलेशन होते हैं ना लोगों को देखने से लेंदी लगते हैं बहुत बहुत ट्रिकी होते हैं रियलाइज कीजिएगा सोलविंग कीजिएगा तो सो so, क्या पता चला गया इसके वी कैन राइट दैट पी इज इक्वल टू वन पी इज वन पॉइंट फाइव एंड दैट ऑफ एल इज वन ए एम राइट टोटल प्रेशर कितना आएगा पी टोटल पी टोटल विल बी वन पॉइंट फाइव प्लस वन दैट इज टू पॉइंट फाइव होगी बात ठीक है सो क्वेश्चन में इस तरह से फंसा सकते हैं आना चाहिए प्रेशर के टर्म्स में लिखना देखा जाए आप प्रेशर के टर्म्स में ये जो बात है इसको आप समझ पा रहे हैं कि नहीं वीडियो को जितना लोग भी सीखने चाहते हैं जितने लोग बाद में देखने वाले हैं है ना वीडियो को रिवाइंड करके जरूर मेथड देखिएगा देखिएगा सिक्स पॉइंट को मैंने कैसे स्टार्टिंग से बताया है ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन काफी दिखते हैं स्टैंडर्ड बुक्स में एन अवस्थी वगैरह बुक बहुत बनाते हैं लोग सो एन एस वाली बुक में भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस बहुत दिखाई देंगे है ना वेयर इज वेदांतो ऑफिस वेदांतो ऑफिस चंडीगढ़ में यहाँ पर सेक्टर सेवेंटी फोर में है और कुछ आइएगा अगर तो पक्का कुछ खाने का कोई बढ़िया आइटम जरूर लेकर के आइएगा ओके सो so भाई इसी पर प्रैक्टिस कराने के लिए क्या किया मैंने कि और भी आपको एग्जाम्पल डाले मैंने बताया कि चलो यार थोड़ा डिफरेंट लेते हैं एग्जाम्पल को कुछ ऐसा बनाते हैं कि थोड़ा ज्यादा टेस्टी थोड़ा ज्यादा मजेदार बन जाए बट so, पहले थोड़ा सा इजी रखते देखिए इस रिएक्शन को देखिए NH4HS फोर एच एस एन एच फोर एच एस ये भी टूटेगा सॉलिड से तो ये बनाएगा एन एच थ्री गैस प्लस एच टू एच गैस है ना सो so, अगर इक्विलिब्रियम पर इसका प्रेशर पी जेनरेट हुआ है इसका प्रेशर पी जेनरेट हुआ है आप सेम काम कर सकते हैं फिर से इसके लिए क्या लिख सकते हैं के है? 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 पी स्क्ल टू पी स्क्वायर पी टोटल स्क्वेल टू क्या लिख सकते हैं टू पी

ऐसा बनाया कि अब थोड़ी मेहनत माइड भी हो सकती है बट देखते हैं कि क्या मेहनत है भी या फिर ये भी बहुत ही और इजीली बन जाएगा लेट अस सी कितना सो ए सॉलिड से बी गैसियस प्लस टू सी गैसियस बनाया ठीक है इनिशियलिटी टू जीरो पर हमने किसी को कुछ नहीं रखा है कंटेनर में हम पहले ए सॉलिड ही डाल रहे हैं और जब ये टूटता है तो इक्विलिब्रियम पर पी प्रेशर इज जनरेटेड बाय गैस बी

ये चमकता नहीं है उनको वो फंस जाते हैं वो सोचते हैं कि वो ना डायरेक्टली ये एक्सप्रेशन ढंग से लिखते नहीं है और खुद को फंसा जाते हैं वो ऐसे लिखने लगते हैं कि यार मतलब दोनों पी को देख करके वो समझ नहीं पाते कि कहां पर क्या पुट करना जब कि है जबकि है कितना ईजी सो पी मल्टीप्लाइड बाई या तो पी का स्क्वायर लिख देते पी मल्टीप्लाइड बाई ऐसा कर देते हैं टू पी लिख देते स्क्वायर भूल जाते हैं या फिर ये टू हटा करके वहां पे स्क्वायर लगा देते हैं वो सोचते हैं कि टू और टू दो दो बार थोड़ी ना आएगा

कुछ हमने इसमें चेंजेस किए और दिखा दिया आपको कि सपोज दैट ये बी के पास था जीरो पॉइंट फाइव एटीएम जैसे मैं दिखा रहा था वो पहले से या इसे ही क्यों लिया जाए इसे भी ले सकते हैं जीरो पॉइंट फाइव एटीएम चलिए इसे ले लेते हैं सो so, इनिशियली ये था तो इक्विलिब्रियम पर एट इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम जीरो पॉइंट फाइव प्लस टू पी ये आंसर होगा बिकॉज के इफ ए सॉलिड इज प्रोड्यूसिंग पी एटीएम ऑफ बी इट विल प्रोड्यूस टू पी एटीएम ऑफ सी

सिर्फ पी एंड पी सी की जगह पर ये पूरा पुट हो जाएगा 0.5 पॉइंट फाइव प्लस टू पी एंड नाउ इसका स्क्वायर करेंगे देख रहे हैं इसे बाहर नहीं करना है ये स्क्वायर के अंदर ही रहेगा आपने ढंग से सिर्फ लिखते जाना है है ना आप समझ रहे हैं वैल्यूज किस तरह से यूज की जा रही है भाई मैं आई और ई लिख रहा हूं वैसे तो अभी आप फाइनली जब क्वेश्चन को अब मैं बताऊंगा कि अब क्या होने वाला है कि क्वेश्चन जैसे ही लेवल अप होगा क्वेश्चन का तीन तरह के कॉन्सेंट्रेशन आएंगे इनिशियल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन और इक्लिब्रियम अब उस पर आ रहे हैं। है ना ये सिक्स पॉइंट हो गया मैंने सिखा दिया किस तरह से प्रेशर के टर्म्स में आप बातें कर सकते हैं है ना ना इट इज नॉट इन बैंगलोर दिस ऑफिस इज इन चंडीगढ़ प्रत्युष इज राइटिंग फिजिक्स के लिए जैसे क्रूटोव है क्या केमिस्ट्री के लिए भी ऐसा कुछ है यस yes, प्रत्युष है ना ऑर्गेनिक के लिए आप जो बे मतलब जो बुक आप जे एडवांस के लिए यूज कर, करते हो ना सॉल्विंग के लिए आप वो यूज़ कर सकते हो विनाश ठीक है और ऑब्वियसली देखो मार्केट में कोई बुक स्पेशली आई यू के लिए नहीं है मुझे लगता है मुझे ही निकालना होगा है ना जैसे सेशन हमने लाया वैसे ही मार्केट में कोई बुक स्पेशली डालनी पड़ेगी अच्छे क्वेश्चन के लिए लेंदी होना एनालिटिकल स्किल्स को बढ़ाना ये ना इसके लिए कोई बुक अभी अगर मान लो कि ऑर्गेनिक में तो मैच करती है और कुछ हद तक यूनिवर्सिटी का लेवल टू थि का लेवल टू कुछ हद तक मैच करता है ठीक है बाकी मेरे असाइनमेंट्स आप अगर बनाएंगे देखेंगे तो बात बन जाएगी बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है वैसे आपके पास अभी जो भी टाइम है ऑलमोस्ट फोर्टी डेज जो टाइम है आई के लिए आई यू पी के लिए भी सफिशेंट टाइम है प्रॉपर डायरेक्शन में काम करें पहले यह देख लो कि थ्योरेटिकली आपने सेक्शंस को थोड़ा ऊपर तक जैसे अब ब्रिडॉक्स रिएक्शन पे मैं ही क्या थोड़ा ऊपर टच करा रहा हूँ मैं भी आयु प्यूजेस के क्लास में जो थ्योरी वाला पोर्शन है है ना तो जब मैं उसमें भी बीच बीच में क्वेश्चंस डालता हूँ मैं बता देता हूँ कि क्वेश्चन में फंस सकते हो आप अब सच में फंस भी जाते हो बस वही काम करना अगर क्लास में बैठे हैं तो वैसे क्वेश्चन क्लास में जब मैं दे रहा हूँ तो आप उसमें ना फंसें कोशिश ये करनी है एनालिटिकल स्किल इतनी अच्छी रखनी है ठीक है तो वो सेकेंड पेपर भी हो जाएगा सेकेंड स्टेज का भी गोल्ड मेडल आप जीतते हो ट इज मोर देन वो साफ बताता है कि आप तो जय एडवांस तो आप ऐसा फोड़ोगे ना पाँच के अंदर तो श्योर रहोगे आप श्योर ही होता है अगर आप सेकेंड स्टेज तक भी अपने आप आपको बिल्डअप कर लेते हो तो जे एडवांस जैसे एग्जाम जो है वो छोटे बन जाते हैं आपके सामने समझ रहे क्योंकि आपकी एनालिटिकल स्किल इतनी अच्छी हो जाती है पेशेंस और पीस ऑफ माइंड बहुत अच्छा हो जाता है और वही चाहिए होता है ओके नाउ फॉर द सेवेंथ पॉइंट ये सेवेंथ पॉइंट जो प्रैक्टिस प्रोटोकॉल का बहुत 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 इंपॉर्टेंट है इसके लिए पहले मैं आपको क्या बताऊं ये बता देता हूं ली चैटलियर्स प्रिंसिपल ली चैटलियर्स प्रिंसिपल का कहना है कि अगर आप इक्लिब्रियम को डिस्टर्ब करोगे वो आपके डिस्टर्बेंस को खत्म करेगा वापस इक्लिब्रियम लाएगा इतना आसान है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल अगर किसी को नहीं समझ में आता है सो जस्ट लिसन टू मी ये बहुत ईजी है इक्लिब्रियम को डिस्टर्ब कीजिएगा देखिए ये इक्लिब्रियम है मैंने इक्लिब्रियम को डिस्टर्ब किया वो वापस आने की कोशिश करेगा ये तो फिजिकल था केमिकल में वैसे ही बातें होंगी है ना सो okay. so, हर इक्लिब्रियम के अंदर नेचर है कि इफ यू विल डिस्टर्ब इक्लिब्रियम इट विल रिवर्ट बैक क्यों रिवर्ट करेगा भाई उसे अपने मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के सिचुएशन को नहीं छोड़ना है अपने मैक्सिमम स्टेबिलिटी के सिचुएशन को नहीं छोड़ना है है ना सो so, थोड़ा सा मैं ना ये जो हाँ अभी ठीक है ऐसे थोड़ा आई फील लाइक यस एकदम फ्री हो गया है <laughs> ना सही हाँ सो ली चेटले प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर इफ यू आर गोइंग टू डिस्टर्ब एन इक्लिब्रियम इक्म डिस्टर्ब कीजिएगा सो इक्लिब्रियम रिवर्ट इन अ वे कि इट विल न्यूट्रलाइज द इफेक्ट प्रोड्यूस बाय यू आप अगर डिस्टर्ब करोगे इक्लिब्रियम को तो तोम के इक्लिब्रियम पर जो भी इफेक्ट आप डाल रहे हो डिस्टर्ब करने के लिए उसे नलीफाई करेगा डिस्टर्ब करो वो डिस्टर्बेंस खत्म करेगा इक्लिब्रियम अपने रिएक्शन जानता है कि उसे इक्लिब्रियम से नहीं हटना चाहिए बिकॉज कि इक्लिब्रियम उसके लिए मैक्सिमम स्टेबिलिटी वाली सिचुएशन है सो so, उसे नहीं हटना है सो ली प्रिंसिपल इज ऑल अबाउट कि आप डिस्टर्ब करोगे इक्लिब्रियम को वो वापस अचीव करेगा बट पूरा प्रोसेस जो है ना वो डिफिकल्ट हो जाता है हमारे कम नॉलेज की वजह से हमें प्रॉपरली डायरेक्शन में डाला नहीं जाता है कि ली चैटलियर्स बेस्ड दो तरह के क्वेश्चन होते हैं थियोरिटिकल और न्यूमेरिकल मोस्ट ऑफ द टाइम हमसे हो जाते हैं क्योंकि उसका प्रॉपर डायरेक्शन बुक्स में भी दिया रहता है न्यूमेरिकल में बैंड बजा देते हैं हमारी तो मैं वही बात कर रहा था ये वही सेक्शन है जिसमें कि आपको ना तीन बार कंसंट्रेशन की वैल्यूज या प्रेशर की वैल्यूज लिखनी होती है और लोग कुछ चैट बॉक्स में लिख रहे हैं सर ये क्लास कब से चल रही थी हाउ लेट आई एम आयुष क्लास नौ बजे से यूजली चलती है आज दस बजे से चली थी बिकॉज के और भी लेक्चर थे दूसरे भी हम दूसरी चीज़ों में भी बिजी थे विनर ऑफ क्रिसमस फैक्ट कम्पिटिशन आ गया है क्या मुझे नहीं बताया है, दोस्त सो इट है अच्छा न्यूमेरिकल सर नहीं होते मोस्टली हाँ तो अब सीखो ना वही तो टाइम अभी <laughs> तो अभी यहां पर जो भी मैं प्रोसीजर बताऊँगा उसको अच्छे से सुनिएगा और फिर तोड़ फोड़ करके फिर क्वेश्चन आपने शुरू के प्रैक्टिस प्रोटोकॉल के पॉइंट अगर छोड़ दिए हैं तो वो भी आपको फंसा देंगे

यहां पर पता है क्या जैसे ही इसका न्यूमेरिकल अप्रोच दिया जाता है वो टफ लगता है समझ नहीं आता एक्सप्रेशन ही नहीं बनते क्योंकि गाइड नहीं किया जाता कि कैसे लिखा बुक्स गाइड ही नहीं करते कि किस तरह से चलना है प्रॉपर डायरेक्शन पता होना चाहिए ऐसे ही चलना है इस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना कि ये ली चैटलियर्स पर ही है पहले तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल है यही नहीं काम करता कि ऐसे आइडेंटिफाई करना है तो प्रॉपर डायरेक्शन पर चलिए तो न्यूमेरिकल सेक्शन जब होता है तो उसमें क्या हो जाता है बस भाई ऑक्सीजन और मैग्नीशियम आता है मुझसे या नाइट्रिक ऑक्साइड आता है ऐसे ही होता है ही रहा है, तो थियोरिटिकल है तो है समझ रहे ना ऐसा होता है सो so, न्यूमेरिकल वाले सेक्शन में आप बस ओ माइग गॉड करके नो no! कह देते हैं ओके okay, सो so, अब हम क्या करेंगे भाई ये सबसे पहले हम हमें पता है कि जब ये जनता से बन जाता तो पहले अच्छा क्या कराएंगे न्यूमेरिकल वाला वो तो आप कहीं से भी अच्छा कर ही लोगे वो सो so, मेरा क्या रोल है मेरा रोल है न्यूमेरिकल वाले सेक्शन को अच्छा करना सो ली टलर्स प्रिंसिपल के क्वेश्चन में क्या होगा ध्यान से सुनिए पहले एक ओरिजिनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया जाएगा आपको ठीक है हमेशा एक ओरिजिनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा तो क्या सिचुएशन हम मैथमेटिकली देखिए न्यूमेरिकल है सॉल्विंग है मैथमेटिकल अप्रोच बहुत जरूरी है सो so, एक इक्विलिब्रियम होगा जिसे डिस्टर्ब किया जाएगा सो क्यू इज इक्वल टू के ये सिचुएशन थी पहले से और देखिए टेम्परेचर कहीं चेंज नहीं कर रहे दोस्तों जब टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, तो ये भी चेंज नहीं होता है बिकॉज ये या तो के पी होगा या के सी होगा बोलो हाँ अभी इन बातों के डिस्कशन का टाइम नहीं है अभी इस पर ध्यान दे रहे ली चिल्डर्स का टाइम है फ्रेंड जोन वाली बातों का टाइम <laughs> सो यहां पर ध्यान दीजिए क्यूज टू के यहां से मैंने क्या बताया आप अगर डिस्टर्बेंस करोगे कैसे ऐड किया जाता है अगर आपके पास कोई इक्लिब्रियम था हो सकता है आपने वहां पर प्रेशर चेंज कर दिया हो डिबेंस वॉल्यूम चेंज कर दिया हो डिस्टर्बेंस टेम्परेचर चेंज करके भी ला सकते हैं डिस्टर्बेंस बट टेम्परेचर अभी चेंज नहीं करना बिकॉज इसकी वैल्यू चेंज होगी फिर आपकी तो बैंड बच जाएगी फिर आपको अलग तरह से सॉल्विंग करनी होती है ज्यादा टफ है टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रख करके जो सिचुएशन देते हैं बिकॉज चेंज किया तो ज्यादा आसान काम होता है हमारे लिए डिस्कशन करना और टफ सिचुएशन है टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखेंगे बाकी दूसरी चीजों को चेंज कराएंगे उन पे हमें कमांड करना है, है ना और कैसे चेंज हो सकता है भाई डिस्टर्बेंस और क्या होती है कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करना प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर दो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर दो इस तरह की चीजें करना ठीक है क्यू so Q क्वाल टू के यहां पे किसी तरह का डिस्टर्बेंस है प्रेशर चेंज कर दिया गया होगा कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया होगा वॉल्यूम चेंज कुछ किया होगा उस पर नहीं जा रहे अभी जैसे डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगा ना दोस्तों ये चीज हो जाएगी और जब ये होगा ना तो हमें पता है ये दो तरह के डिस्टर्बेंस होते हैं या तो क्यों बड़ा होगा कैसे या क्यों छोटा होगा कैसे समझ रहे हो इसे समझना है क्यों बड़ा होगा कैसे या क्यों छोटा होगा कैसे ठीक है और फिर क्या होगा इक्लिब्रियम क्या करेगा अपने इस डिस्टरबेंस के लिए रिवर्ट करेगा मतलब कि वापस पूरी कोशिश करेगा जो डिस्टरबेंस है उसको खत्म करने के लिए सो so, फाइनली फिर से इक्लिब्रियम आ जाएगा ये प्रोसीजर है अब आपको यहां दिमाग लगाना होता है इसी स्टेज पर किस तरह का डिस्टर्बेंस है क्योंकि डिस्टर्बेंस को आइडेंटिफाई करने से हमें यह पता चलता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड चल करके नया इक्लिब्रियम लाएगा देखिए दिस इज न्यू इक्लिब्रियम यहां इस नए इक्लिब्रियम पर इक्लिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होता देखिएगा टेंपरेचर इज कांस्टेंट यहां से यहां पर ठीक है देखिए टेम्परेचर इज कांस्टेंट, सो इफ टेंपरेचर इज कांस्टेंट तो इक्विब्रियम कांस्टेंट को कुछ नहीं हुआ है के इज कांस्टेंट, टेंपरेचर कांस्टेंट तो इक्लिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं हुआ अब अगर इक्लिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं हुआ है इक्लिब्रियम कॉन्स्टेंट चेंज नहीं हुआ है समझ रहे ना तो so, नया इक्बर्रियम किस टर्म्स में होगा कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यूज चेंज होंगी कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यूज चेंज हो जाने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के चेंज हो जाने से प्रेशर के चेंज हो जाने से इक्लिब्रियम कॉन्सटेंट चेंज नहीं होता सो कॉन्सेंट्रेशन वगैरह चेंज हुआ होगा लेकिन इक्लिब्रियम कॉन्सटेंट चेंज नहीं हुआ है समझ गए ये बेसिक डायग्राम दिमाग में रखिए ठीक है, है और अब देखिए पहले आपको क्यू ग्रेट देन के क्यू लेस देन के इस पर दो मिनट का भाषण दे दूं

Third, जो धमाकेदार पॉइंट होता है वो है वो धमाकेदारियम का ये तीनों मिला मिला के सारे टफ क्वेश्चन बनते हैं इनका थ्योरेटिकल अप्रोच बहुत क्लियर होना चाहिए पहले तो ये पता ही नहीं होता लोगों को कि ये तीन पॉइंट हैं कुछ फिर यही पता नहीं होता कि ये अप्लाई भी होता है और इनसे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्शन ही नहीं मिल पाता तो हर जगह जहां पर आपको टफ सेक्शन होते हैं डायरेक्शन की बहुत जरूरत होती ना बिना इसके आप थोड़ी ना कुछ अच्छा कर पाओगे आप अच्छे सेक्शन को अच्छा ही नहीं कर पाओगे जब आपको अप्रोच नहीं पता है कि किस तरह से मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था अप्रोच वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है सब ये प्रैक्टिस प्रोटोकॉल का सेक्शन वही अप्रोच वाला ही है सो क्यू ग्रेटर देन के का क्या मीनिंग है पहले इसे समझते हैं आप समझो ऐसे सपोज दैट कि मेरे पास एक मैंने बहुत इजी सा रिएक्शन लिया पी का भी ले सकते हैं मैंने और छोटा कर लिया से भी मान लो

रिलेटेड है जो सिलेबस आपका इंजीनियरिंग है उससे बट यूजली नहीं दिखाते हैं आपसे बोला जाएगा अगर यूनिट निकाल लें तो आप एटीएम के टर्म्स में या कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर के टर्म्स में निकाल सकते हैं ठीक है सो so, ये आपको दिया गया कंडीशन अब आपसे बोला जा रहा है देखो ये जो वैल्यू होती है ना ये इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट ये एक्सपेरिमेंटली पता लगा करके लिखी भी होती है कि अच्छा ये एक रिएक्शन है इस रिएक्शन का 298 केल्विन पे ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ऑलरेडी हमारे पास नोटेड डाउन होता है मोस्ट अदर रिएक्शन के नोटेड डाउन होते हैं तो क्वेश्चन जब आपको देगा ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट मींस कि उसने एक्सपेरिमेंट करके पहले से पता लगाया हुआ था कि अगर ये टेम्परेचर होगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन का ये होगा ठीक है अब क्या हुआ ये तो चलो आपने पता लगाया हुआ पहले से ठीक है बट अब एक नया एक्सपेरिमेंट हो रहा है ये ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है अब फिर से किसी बंदे ने नया एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया इस टेम्परेचर पर और उसने क्या बताया कि इस टेम्परेचर पर जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो एक ऐसी सिचुएशन आई समझिएगा ये ये इतना एक्सप्लेन करके क्वेश्चन बोलता नहीं है मैं समझा रहा हूं कि क्वेश्चन जब दिया रहता है तो क्वेश्चन ना वो आपको इनडायरेक्टली जो बातें क्वेश्चन में छुपी होंगी उसको ऐसे सोचना है क्वेश्चन क्या करते हैं क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन uh, की वैल्यू दिखाएंगे किसी टेम्परेचर पर फिर बोलेंगे के एट अ गिवन एट अ गिवन इन अ गिवन वेसल द अमाउंट ऑफ ए एंड बी आर फाउंड टू बी अब वो अमाउंट प्रेशर के टर्म्स में बता सकते हैं अगर ये गैसियस फेस होगा तो वो बता सकते हैं गैसियस फेज होगा तो अक्सर वो बता भी देते हैं कि केपी है क्लियरली बता देते हैं केपी है कि के है सो सपोज दैट वो के -पी है और ये दो गैसियस स्पेसिस हैं और क्वेश्चन बोल रहा है इन अ गिवन वेसल पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज टू ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज थ्री ए ये बता दिया है ठीक है आपको पता है कि अगर आप इस इस सिचुएशन पे इस टेम्परेचर पे एक्सपेरिमेंट करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इतना आना है ठीक है आना है बट आपको जिस सिचुएशन पे डिस्कशन के लिए बोला जा रहा है वैल्यू क्या लिखी थी अब याद नहीं मैं ऐसा लिख ले रहा हूं ठीक है जो लिखी थी वो भूलिएगा <laughs> <पूली है। laughs> सिखाना वो ऐसे सीख जाइएगा आप सो so, हमें पता है कि किस टेम्परेचर पर ये हमें जो जिस सिचुएशन को डिस्कस करना वो ये है ये डिस्कस कीजिए बताइए ये सिचुएशन देख करके अगर नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और ये सिचुएशन पर हम पहुंचे हुए हैं

इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 पर पहुंच सके अभी और बनाओ प्रेशर अभी और प्रेशर बढ़ाओ बी का अभी बी का अमाउंट बढ़ाओ है ना क्योंकि अभी देखो क्यू की वैल्यू क्या है छोटी है क्यू टू बाई थ्री है इट हैज टू बिकम टेन इसे दस तक पहुंचना है इसे दस तक पहुंचना होगा तभी इक्विलिब्रियम आएगा अभी तो इक्विलिब्रियम है ही नहीं अभी Q, अभी क्यू नॉट इक्वल टू क्या सिचुएशन है अभी डिस्टर्बेंस है अभी डिस्टर्ब सिचुएशन है अभी नहीं है equilibrium, है ना क्योंकि Q नॉट इक्वल टू के आता है तो वो disturbance होता है तो डिस्टर्बेंसियम नहीं है और इसमें भी दो टाइप होते हैं अभी हमें जो टाइप मिला है वो Q लेस लेस देन देन है और less than K का मतलब कि अभी रिएक्शन को ना फॉरवर्ड ले जाइए फॉरवर्ड जाइएगा तभी इक्लिब्रियम आएगा समझ रहे हैं फॉरवर्ड जाने पर देखिए प्रोडक्ट बढ़ेगा और जब तक प्रोडक्ट नहीं बढ़ता ये क्यूपी नहीं बढ़ेगा और जब तक क्यूपी बढ़ता नहीं वो टेन के बराबर नहीं पहुंचेगा इसीलिए जब क्यू लेस देन के लिखा जाता है जब क्यू लेस देन के लिखा जाता है तो लोग ये रट करके रखे रहते हैं अच्छा क्यू लेस देन के है ना फॉरवर्ड जाएगा लोगों को यही नहीं पता होता कि क्यू लेस देन के है तो फॉरवर्ड जाएगा क्या क्या मीनिंग है मुझे बड़ा गुस्सा आता है क्यू लेस देन के फॉरवर्ड जाएगा फॉरवर्ड जाएगा अबे क्या फॉरवर्ड जाएगा बोलना यह है कि क्यू लेस देन के का मीनिंग है प्रोडक्ट कम है प्रोडक्ट बढ़ाओ सो दैट के क्यू की वैल्यू क्यों के बराबर हो सो so, प्रोडक्ट कब बढ़ेगा जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल करके इक्विलिब्रियम अचीव करेगा मैंने आपको क्या सिखाया था कि होता क्या है क्यू नॉट इक्वल टू के होता है डिस्टर्बेंस डालते हैं क्यू सॉरी पहले इक्विलिब्रियम होता है क्यूक्वल टू के होता है फिर इस पर डिस्टर्बेंस डालते हैं तो क्यू नॉट इक्वल टू के हो जाता है फिर आपको पहचानना होता है कौन सा क्यू नॉट इक्वल टू के है फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम तो क्या करता है रिवर्ट करता है यानी इसे ठीक करता है जो डिस्टर्बेंस थी उसको फिनिश करेगा फिर वापस इक्विलिब्रियम आ जाएगा होगा ना सो so, इक्विलिब्रियम था हो सकता है मैंने ऐसा कर दिया हो कि प्रेशर ए और बी का चेंज कर दिया ऐसा भी हो सकता है पहले तो मैं आपको बता रहा था कि चलो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा होगा सिचुएशन को बट तो ऐसा भी हो सकता है इक्विलिब्रियम रहा हो और इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के लिए ए और बी का प्रेशर ही चेंज कर दिया हो ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन ही चेंज कर दिया हो तो ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन ऐसे मैंने चेंज किया ऐसे चेंज किया कि वैल्यूज प्रेशर की ये दिख रही है कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा तो प्रेशर भी चेंज होगा तो इनके प्रेशर दिख रहे हैं थ्री और टू मैंने अब इस पर डिस्कशन करना है कि क्या ये सिचुएशन इक्विलिब्रियम की है तो मैंने क्यू चेक किया देखा वो K के के बराबर नहीं आया तो इक्विलिब्रियम नहीं है फिर मैं ये भी आइडेंटिफाई कर लिया कि अच्छा क्यू नॉट इक्वल टू के है डिस्टर्बेंस है ये पता चल गया इक्विलिब्रियम नहीं है ये पता चल गया कौन सा डिस्टर्बेंस है क्यू लेस देन के दैट मीन्स कि जो इक्विलिब्रियम अचीव करना है वो तभी आएगा जब आप फॉरवर्ड जाएंगे ये समझिए है ना ये तभी आएगा जब आप फॉरवर्ड जाएंगे तो ये फटाफट आना चाहिए ये तुरंत में आ जाना चाहिए आपसे फटाफट कैलकुलेशन हो जानी चाहिए कि अरे यार मेरे पास जो वैल्यूज है द वैल्यूज गिवेन टू मी आर लाइक के द वैल्यूज़ गिवेन टू मी आर लाइक के यार मैं फटाफट कैलकुलेशन कर सकता हूं इलेवन थर्टी फाइव ना हाँ ठीक है इलेवन फिफ्टी ठीक सो भाई सेवेंथ पॉइंट क्या है नॉट इक्वल टू होगा इसको डिस्टर्ब करेंगे क्यों नॉट इक्वल टू किया आएगा भाई बहुत बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ अब नहीं करने वाला मैं रिवर्ट करेगा ये आ जाएगा पहचानना होता है कि कौन सा डिस्टर्बेंस है क्यों लेस देन के है क्योंकि ग्रेटर देन के है है ना ये पहचानना होता है ये पहचानना होता है ये पहचानेंगे कैसे है? जो वैल्यूज दी हुई उससे पहचानेंगे मैंने अभी वैल्यूज दी थी आपको चलिए कोई और वैल्यू देते हैं सपोज दैट मैंने आपको ये रिएक्शन दिया अभी थोड़ी देर पहले ये रिएक्शन दिख रहा था NH4Cl एच सॉलिड ठीक है इसके लिए मैंने बताया आपको NH3 थ्री गैस एंड एस टू गैस मैंने बताया कि टू नाइनटी एट पर कोई और टेम्परेचर हो सकता है मेरा फेवरेट ही है <laughs> क्योंकि रूम टेम्परेचर है ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस वैसे और ज्यादा फेवरेट भी एक है मतलब फेवरेट का <laughs> ज्यादा ये दोनों टू सेवेंटी थ्री केल्विन थ्री हंड्रेड कैलकुलेट इसलिए फेवरेट है मेरा क्योंकि इन इनके कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाता है समझ रहे हो बहुत ट्रिकी वे में कैलकुलेशन हो जाता है डेटा भी इनके अकॉर्डिंगली होता है बट कोई नहीं चलिए कैलकुलेशन से घबराइएगा नहीं कैलकुलेशन जिनका अच्छा होता है वो इस बात का मतलब जिन स्टूडेंट्स का कैलकुलेशन मैंने आज तक अच्छा देखा है भाई साफ साफ बता दूं उनके रैंक हमेशा अच्छी आती है तो कैलकुलेशन से भागिएगा नहीं पहले आपने आपको बता दीजिए अच्छा सर ने बोला कैलकुलेशन अच्छा किया नहीं कि आप उन स्टूडेंट्स में आ जाते हो जो अच्छी रैंक बनाने वाले श्योर सो so, चलो यहां पर मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको बताया हुआ कि यार मैंने ना के पी पाया यहां पर ट्वेंटी फाइव एम ठीक है ATM, और आप देखो डिस्टर्बेंस विच टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस विच टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस इज प्रेजेंट ये पूछ रहा हूं आपसे ठीक है किस टाइप का डिस्टर्बेंस होगा इफ पहली कंडीशन में आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ एन थ्री बताई है फोर दूसरे कंडीशन में पार्शियल प्रेशर ऑफ एन थ्री बताई है 2.580 पॉइंट थर्ड कंडीशन में बताई है पार्शियल प्रेशर ऑफ एन एच थ्री एस्टुएस कर देते हैं एनएस के टर्म्स दे दिया पार्शियल प्रेशर ऑफ 680 सिक्स या एक काम करते सॉल्विंग करेंगे और यहां पर डाल देते हैं

फोर मल्टीप्लाइड बाई फोर सिक्सटीन सो यहाँ सॉरी गड़बड़ कर दी ना मैंने के पी नहीं लिखना ना माई बैड क्यों निकालेंगे ना के तो ऑलरेडी निकला होता है आपको जो वैल्यूज दी जाती है उससे आप क्या निकालते हो क्यों निकालते हो सो so, मैंने के लिख दिया था वहां पे गलती से सेन right? so, ठीक है ये सिक्सटीन हो गया सो so, यहां पर क्यों छोटा आ गया कैसे मैंने लिख दिया कलर चेंज कर ले थोड़ा सा ज्यादा विजिबिलिटी आएगी क्यू लेस देन के दैट मीन के फॉरवर्ड चलिए प्रोडक्ट बढ़ेगा उसके बाद आएगा क्यू देन के फॉरवर्ड जाएंगे क्यू छोटा आ रहा है सिक्सटीन आ रहा है ट्वेंटी फाइव आना चाहिए था, तो सिक्सटीन को ट्वेंटी फाइव बनाने के लिए प्रोडक्ट बढ़ाना पड़ेगा है ना हमें क्या करना पड़ेगा प्रोडक्ट बढ़ाना पड़ेगा सो so, ये चला गया फॉरवर्ड

Partial pressure of H3 multiplied by partial pressure of is The same pressure will be generated by H2S 2.5 multiplied by 2.5. That is going to be equal to 6.25. ये तो और भी छोटा है. फिर से Q less than K, right? फिर से forward. अब pH2S, that means के PH3 भी वही होगा. So यहाँ से Q P निकालते हैं. 6 multiplied by 6 आएगा, 36. Now this is greater than K. इसका मतलब है यहाँ पर ना अब backward चलना पड़ेगा. So that के वैल्यू अब यहां पर क्या होगा बैकवर्ड चलेंगे सो so दैट क्या प्रोडक्ट कम हो जाए और रिएक्टेंट बढ़े तभी इक्विलिब्रियम आएगा यह तरीका कैच करने का क्या क्यू क्यू लेस देन के के ग्रेटर ठीक है अब फाइनली मुझे जो बात ओवरऑल uh, ली से सिखानी है सबसे इंपॉर्टेंट यह पहले आपको मैंने सिखा दिया क्या कि किस तरह से आप क्यू लेस देन के क्यू गर्दन के समझते हो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है देखिए बात किस तरह से चलेगी मैंने

अब अच्छे क्वेश्चन में तीन तरह के कॉन्सेंट्रेशन का यूज होता है और मल्टी कॉन्सेप्ट होते हैं लीच एटलेट्स भी यूज होगा डिस्टर्ब किया जाएगा इक्लुबरियम को डिस्टर्ब करने के तरीके बताए जाएंगे है ना और मैं सीधे सीधे न्यूमेरिकल अप्रोच अच्छा कराने के लिए उसी पे काम शुरू करवा रहा हूं ओके okay? सो so, यहां पर सपोज दैट इनिशियली तीन पॉइंट्स का डिस्कशन होगा इनिशियली Initial point, change in concentration और equilibrium. और ये ice points पे ट्रेशन लिखने आने चाहिए ice points पे concentration लिखने आने चाहिए है ना नहीं तो अच्छे क्वेश्चन नहीं होंगे दोस्तों अब कैसे करेंगे काम देखिएगा सपोज दैट मैंने आपको बताया सुनिएगा ये जो इनिशियल सिचुएशन है ना इसको भी पहले समझ लीजिए ये इनिशियल सिचुएशन हो सकता है कि उस इनिशियल इनिशियल सिचुएशन में ऑलरेडी इक्विलिब्रियम हो जैसे मैंने आपको क्या बताया कि आपको ये समझना था कि पहले क्यू स्क्वल टू के होता है ली चैटलियर्स के क्वेश्चन अक्सर ऐसे होते हैं इक्विलिब्रियम होता है उसको डिस्टर्ब करते हैं ठीक है, है? डिस्टर्ब करते हैं तो ये पहुंच जाता है क्यू नॉट इक्वल टू के पे फिर वो क्या करता है अपने आप को ठीक करता है फिर से रिवर्ट करता है रिवर्ट करेगा जो इफेक्ट डाला गया उसको कैंसिल आउट करेगा फिर से नया इक्विलिब्रियम आएगा है ना और ये चीज़ दिखेगी आपको हो सकता है कि तो हो सकता है कि हो पहले मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं क्या आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बता सकते हैं बिल्कुल बता सकते हैं ये कोई टेम्परेचर होगा मुझे नहीं पता कॉन्टेंट कोई टेम्परेचर होगा ठीक मुझे आई एम स्टार्टिंग सिचुएशन के पहले से इक्विलिब्रियम था इनिशियली ठीक है सो so, मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑलरेडी पता चल चुका है क्या होगा टू कांस्टेंट और जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होता कुछ चेंज नहीं होगा अब मैं इसमें डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करने वाला हूँ प्रोड्यूस करने के तरीके प्रेशर चेंज कर सकते हैं आप कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर सकते हैं आप है ना टेम्परेचर तो चेंज कीजिएगा नहीं कि मैंने क्या बताया कि वो ज्यादा इजी सिचुएशन होते टेम्परेचर चेंज करते एक फॉर्मुला लगता है बिंदा सब बना के चिल जाएगी फंसाने वाले तो ये होता है सो so, अब क्या हो रहा है टू और टू ये मल्टीप्लाई होकर के फोर दे रहे फोर बाय फाइव आ गया एड क्लोरीन क्लोज कंटेनर में बट वी आर एडिंग क्लोरीन गैस फ्रॉम द आउटसाइड अब कुछ अमाउंट एड किया तो जिस मोमेंट पे एड किया वैल्यूज चेंज हुई ये वो टाइम होगा pcl5 को कुछ नहीं हुआ वो वहीं रह गया pcl3 को कुछ नहीं हुआ एट द इंस्टेंट जिस टाइम पे आपने चेंजेस की, ये चेंज वाला टाइम है ये चेंज कुछ आपने चेंज किया क्या चेंज किया आपने डिस्टरबेंस प्रोड्यूस की आपने cl2 ऐड किया तो सपोज दैट cl2 जब आपने ऐड किया सो so वो 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 कुछ था मान लीजिए वो 180m प्रेशर के बराबर था मैंने तो बोला प्रेशर में बात करो मोल में बात करो एक ही तरह से इनफैक्ट के प्रेशर में बात करना और हमारे काम को आसान करता है मोल से प्रेशर में जाना पड़ेगा अब यहां पर उल्टा है प्रेशर दिया हुआ है तो डायरेक्ट काम हो जाएगा सो so, कितना एटीएम हमने बाहर से ऐड किया क्लोरीन का वन एडेड फ्रॉम आउटसाइड आई शुड राइट एडेड फ्रॉम आउटसाइड ये बाहर से ऐड किया है इसी से डिस्टर्बेंस आ गया अच्छा क्यों डिस्टर्बेंस आया डिस्टर्बेंस नहीं आएगा क्या आप चेक करो अभी क्यों निकालो अभी क्यों कितना आएगा इस सिचुएशन से टू प्लस वन हो गया थ्री एटीएम थ्री मल्टीप्लाइड बाई टू सिक्स सिक्स बाई फाइव क्या ये बराबर है क्या के कॉन्स्टेंट के पी के नहीं बराबर है सो इफ क्यूपी इज नॉट इक्वल टू के पी दैट इज के इक्लिब्रियम नहीं है आपने जैसे ही सीएल टू एड किया डिस्टर्ब हो गया सो क्यू नॉट इक्वल टू के इस सिचुएशन में आप आ गए अब क्या होगा अब रिवर्ट करेगा इक्लिब्रियम इक्म बोलेगा नहीं मुझे तो अचीव करना है वापस अपना मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी वाला सिचुएशन सो so मुझे यहां वापस पहुंचना है

रिएक्शन की जो स्टॉक्यूमेट्री है वो बता रही है कि भाई अगर तुमने सीएल टू को कम किया तो पीसीएल थ्री भी कम होगा सो पीसीएल थ्री भी कम होगा और उतने ही अमाउंट से कम होगा जितने से सीएल टू कम हुआ है और अगर तुमने पीसीएल थ्री और सीएल टू को कम किया तो पीसीएल फाइव बढ़ेगा है ना क्योंकि हमने पहचान लिया यहां पर यह जो सिचुएशन है इस सिचुएशन से हमें क्या पता चला कि क्यू एक्चुअली ग्रेटर देन के हो गया क्यू आ रहा है सिक्स बाई फाइव

So, नया इक्लिब्रियम इस तरह से आएगा और क्वेश्चन यही चाहता है कि आप एक्स की वैल्यू निकालो एक्स की वैल्यू निकाल ली क्वेश्चन ओवर हो गया ऐसा होता है कुछ बातें कर रहे हो ना आप लोग आप अमन मुल्तानी लव यू मोहित सर अरे भाई लवी सो मच क्या हाल चाल यस सर आपने पढ़ाया था ऋतविक सूर्य अच्छा अरे हेलो ऋतिक रोशन <laughs> भाई कैसी बातें कर रहा है मजाक बना रहा है अपना हाँ कहाँ ऋतिक रोशन अभी तो बॉडी शॉडी बनाने में भी टाइम है <laughs> ओके गैस तो यार अभी किसी ने ऋतिक रोशन बोल दिया तो थोड़ा एक बार मुझे इंस्टाग्राम पे देखा है इंस्टाग्राम पे मेरा थोड़ा दूसरा फेस है तो इंस्टाग्राम पे एक बार देख करके बताना कि भाई फेस तो नहीं हो सकता ऋतिक रोशन जैसा लेकिन कुछ डोले चले बना रहे हैं तो एक बार देख करके बताइए तो थोड़ी बिजी से तारीफ रिफ कर दीजिए चलो ध्यान मत बटाओ मेरा कुछ ना कुछ लिख करके मेरा ध्यान बटा देते हो आप लोग चलो तो क्या बता रहा था मैं कि ये प्रो प्रोसीजर है जिसके जिसके अकॉर्डिंगली आपको चलना होता है है ना ये सेवन्थ पॉइंट मैंने बताया कि ये मिक्स होकर के कई बार आता है किसके साथ जो हमने सेकंड थर्ड पॉइंट पढ़ा था कि हाई वैल्यू वेरी हाई वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वेरी लो वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनके साथ मिक्स होकर के आएगा और एक और पॉइंट आने वाला साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का इनके साथ मिलकर क्या आता है सो <laughs> so, ये हमने क्यों लिखा पहले इनिशियल इक्विलिब्रियम की सिचुएशन थी डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किया गया डिस्टर्बेंस आइडेंटिफाई किया डिस्टर्बेंस क्या आया हमारे पास क्यू ग्रेटर देन के आया बिकॉज क्यू की वैल्यू सिक्स बाई फाइव और के की वैल्यू फोर बाई फाइव है ना इस सिचुएशन से साफ पता चल गया सो so, अब जो नया इक्लिब्रियम आएगा वो बैकवर्ड चल करके आएगा और बैकवर्ड का क्या मीनिंग है रिएक्ट अब प्रोडक्ट जो है वो कम होंगे आपने जिस इंस्टेंट पे आपने डिस्टरबेंस किया था ना जिस इंस्टेंट पे आपने चेंज किया था सी फॉर चेंज तो चेंज किया था तो आपने क्या चेंज किया था आपने वन मोल एड किया था यहां पे मिट गया फ्रॉम आउटसाइड ठीक है ये आउटसाइड से आया है

आप लिखिए ये ये फिर से अचीव हो गया है सो so, पर जो भी वैल्यूज़ वैल्यूज़ आ रही हैं वो सब कांस्टेंट की के बराबर हो जाएंगी तो वैल्यू निकाल देंगे है ना? भी मैं ही आपके लिए बोलिए टू माइनस एक्स और थ्री माइनस एक्स इसे मल्टीप्लाई करना होगा फाइव से और ये फोर इंटू फाइव प्लस एक्सप्री सो सॉल्व कीजिए और मुझे मदर लाइए कि मुझे सॉल्व करना है मैं नहीं सॉल्व कर रहा बट सारे लोग टकटकी लगा कर मुझे ही देख रहे हैं सर सॉल्व कर दो प्लीज़ सर सॉल्व कर दो जब सॉल्व होगा तो अब बाबू अगर ऐसे रहोगे ना आप तब तो ठीक है तब तो भूल जाओ तो मैं आपके लिए नहीं पढ़ा रहा फिर रोने वालों के नहीं लिए नहीं पढ़ा नहीं पढ़ाता मैं जो खुश रहता है उनके लिए पढ़ाता हूँ पहले ही रो दोगे यार तो फिर कैसे यार क्या ही करोगे फिर ट्वेंटी प्लस फोर एक्स है ना इसको जाइए फाइव से मल्टीप्लाई कीजिए कर लीजिएगा ना नहीं कीजिएगा तो फिर मैं लटक जाऊंगा पंखे से थर्टी माइनस ट्वेंटी फाइव एक्स प्लस फाइव एक्स स्क्वायर मैं कर ही क्यों रहा हूं बस आपके प्यार में पागल हूं इसीलिए लिए so, सो ये फाइव एक्स स्क्वायर राइट और इसको सॉल्विंग कीजिए आगे मैं नहीं कर रहा तो बहुत हो गया बहुत पक गया मैं लिख ली करके सो फाइव so, एक्स स्क्वायर और माइनस ट्वेंटी नाइन एक्स आएगा और क्या आ जाएगा प्लस टेन आ जाएगा इस कॉल टू जो ये क्वाडेटिक बना करके मैंने दे दिया अब बहुत अच्छे से क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं तो सॉल्व कर लीजिए इसको यही क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एक्स की वैल्यू बता दीजिए इस तरह से चला जाता है समझ रहे हैं ये आप निकालेंगे एक्स की वैल्यू ओके ऑप्शन रहता तो ऑप्शन पुट कर देते फट से <laughs> मैथ्स वाले ऑप्शन दिया रहता तो ऑप्शन यहाँ पर पुट करते जो सेटिस्फाई करते वो आंसर हो जाता है ना बिल्कुल सही पहचाना आपने सो ये थे हमारे सबसे इंपॉर्टेंट वाले प्रैक्टिस प्रोटोकॉल्स और देखेगा जो आपको जो पी डी एफ फाइल्स मिलेंगी उन पी डी एफ फाइल्स में देखिएगा और भी मैंने तो जैसे थोड़ा सा जो मैं आपको यहाँ पर बोर्ड पर बता रहा हूँ और सारी चीज़ें जब आपके पी डी एफ में रहेगी तो आप क्यों ही वीडियो देखोगे सो so, आपको ना दो पी डी एफ्स मिलेंगी फर्स्ट पी डी एफ और सेकेंड पी डी एफ देखिएगा ये जो चल रहा है ये सब बहुत ईजी चीजें हैं और लास्ट जो लेक्चर हमने डिस्कस किया था उससे भी मतलब कि उस उसी में हमने बहुत सारी अच्छी चीज़ें सी ली सो बहुत इजीजी क्वेश्चन इफ़ द रिएक्शन क्वेश्चन क्यू एस स्मॉलर वैल्यू देन द रिलेटेड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्यू लेस देन के तो क्या होगा फॉरवर्ड जाएगा ठीक है जो जो सेकंड असाइनमेंट होगा इसी के साथ ना दो या तीन मिल रही होंगी आपको दो या तीन पी डी एफ होंगे क्योंकि पहले पी एफ़ मैंने देखा नहीं गई थी तो स्टूडेंट्स ने ध्यान दिलाया सो मैंने फिर जो है एक साथ सारी पी डी एफ्स एड करवा दिए असाइनमेंट भी शायद साथ में ही होगा सो जो भी असाइनमेंट होगा वो भी डिस्कस करेंगे ठीक है अभी टाइम हो गया है तो भागना होगा चलते हैं ओके okay, फिर मिलते हैं अगला एपिसोड जो है वो कंप्लीटली फिर जो है हमारा सॉल्विंग होगा और आयनिक इक्वरियम के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे सॉल्विंग एंड आयनिक इक्ुबरियम के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ठीक है क्योंकि ऑलमोस्ट हमने हमनेबरियम की सारी बातें देख ली है सो so, सॉल्विंग अच्छे क्वेश्चन और फिर आयनिक इक्लिब्रियम सो so, आयनिक इक्लिब्रियम के इंपॉर्टेंट सेक्शंस बताएंगे आपको चलते लव यू सो मच एंड थैंक यू सो मच इतना लिख दू है ना मतलब इतना है ना अपने पास टाइम चलिए लव यू ऑल एंड थैंक बताए ये मैंने ये मैं हर बार स्पेशली अपने हाथों से लिखता हूँ मतलब लिखने से फीलिंग आती है एक जो पहले से लिखा रहता है वो ना मतलब काइंड kind ऑफ of है कि बच्चों को है तो लिखा हुआ दिखा दिया सर ने सो so, ठीक है गाइस चलो बाय बंद किया जाए